Hello and welcome back dear students to Unacademy JEE channel. I am Samir Chincholi, your mathematics mentor, and this is JEE Live Daily 3.0 jahan par aaj hamara finally ek naya chapter start ho raha hai, which is one of the most important topics jo aap yahan pe abhi 11th mein padhna start karoge, which is trigonometry. Trigonometry bachcho yahan par aapka jo discussion already 10th class mein ho chuka hai, it was for this particular subtopic which is going to be covered in the lecture 1 itself. Matlab aapne yahan par jo 10th class mein itne saal bhar jo trigonometry yahan par padha hoga वो जिसके एग्जाम आपको देने के लिए अभी नहीं मिले हैं, ठीक है, उसी की मैं बात कर रहा हूं. वो क्या था? वो है ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका हम आज डिस्कशन करने वाले हैं. सो आपको हो सकता है कि कई सारा यहां पर जो नॉलेज है पहले से हो, लेकिन हम यहां पे जो सवाल करेंगे उनमें से कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो आपके एक्चुअल जेई में आ चुके हैं, ठीक है. सो टुडेज डिस्कशन विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम यहां पर जो है जेई लेवल के क्वेश्चन भी जो है इनिशियली क्रैक कर पा रहे हैं. लेकिन अब आपको एक बात समझनी क्या है, आपके यहां पर अनअकैडमी जेई चैनल के ऊपर रेगुलर रहना जरूरी क्यों है, ये बता देता हूं मैं आपको सबसे पहले. क्योंकि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री आज डिस्कस होने वाला है, ठीक है, उसके बाद में यहां पे लगभग आपके 9 से 10 लेक्चर और होंगे, ठीक है. मतलब आप अगर कंपेयर करना चाहते हो तो आपका जो 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री है, इट इज 10 टाइम्स वॉट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10th, ठीक है. क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री इतना ज्यादा है, इसके अंदर इतने सारे हमें नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है. सो मेक श्योर कि आप यहाँ पे रेगुलर रहें. अगर आप रेगुलर नहीं है तो सबसे पहले आपने अनअकैडमी जेई को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन प्रेस करना. तो अगर आप जो हमारे साथ में कनेक्टेड रहना चाहते हैं देन टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी जेई नाम से, उसके ऊपर आप आ सकते हैं और आप मेरे प्रोफाइल को फर्दर फॉलो कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, क्योंकि वहां पर भी मैं कई सारी क्लासेस और कोर्सेस लेता हूँ, ठीक है. तो आपको सभी का इन्फॉर्मेशन राइट टाइम मिलता रहेगा. अगर आपने यहाँ पे अभी livedaily.me/je को अभी तक फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है, मेक श्योर दैट यू पिन दिस लिंक इन योर ब्राउजर, ठीक है. दिस इज द डायरेक्ट लिंक टू ऑल द 11th एंड 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेक्चर्स दैट वी आर टेकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, ताकि आपको यहां पर ढूंढने में आसानी हो जाए. आपको यहां पर कई बार क्या होता है, बच्चे यूट्यूब के साथ में इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं, सो इट इज काइंड ऑफ ए माइक्रो वेबसाइट फॉर यू गाइज, जहां पर आपको सारी चीजें एक साथ हमने कलेक्ट करके दे दी हैं. इट ऑल्सो हैज द पीडीएफ नोट्स, इट ऑल्सो हैज द जेपीपी सेशन के पीडीएफ जो आपको यहां पर सॉल्व करने के लिए हम 3.0 में दे रहे हैं, ठीक है. सो मेक श्योर दैट यू हैव दिस. और अगर आप यहां पर एक एंटायर इको सिस्टम जो है डिमांड कर रहे हैं कि आपको यहां पर सब कुछ मिलना चाहिए, देन दैट हैपन्स ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. वहां पर आपके लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लासेस के साथ साथ आपके टेस्ट होते हैं, आपके यहां पे डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, काफी इंटरेस्टिंग वहां पर जो है प्लेटफॉर्म बन चुका है. काफी सक्सेसफुल तरीके से बच्चों ने इसका इस्तेमाल किया है, सभी एजुकेटर्स की मदद से यहां पर बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स ऑलरेडी बच्चे निकाल के बता चुके हैं, ठीक है. सो मेक श्योर कि आप अगर यहां पर ये कदम उठा रहे हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरे जोश के साथ में अपनी पढ़ाई यहां पे आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. समीर लाइव के साथ में अगर आप ज्वाइन करोगे तो मुझे भी पता लगेगा कि आप सारे बच्चे ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं ऑन अनअकैडमी जेई चैनल, लेकिन फर्दर यहां पे ट्रांजिशन कर रहे हैं ऑन सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म फॉर फर्दर स्टडीज, ठीक है. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं यार आज का डिस्कशन. आज का डिस्कशन यहां पर मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों को बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि पहली बात तो ये कि एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. एंड दूसरी बात ये कि इसका जो बेस वर्क है वो ऑलरेडी आपका रेडी है, तो मुझे यहां पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. आपको बस यहां पर इनिशियली मुझे आइडियाज देने हैं जो आपने यहां पे 10वीं क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसी के ऊपर आज का बेसिकली यहां पर बिल्डअप होने वाला है, ठीक है. बट डू लेट मी नो यहां पर जो भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, क्या आपने वो क्वेश्चंस पहले देखे हुए हैं, क्या आपने जो रेफरेंस बुक क्लास 10वीं तक सॉल्व करी है या आपने जो एनसीईआरटी सॉल्व करी है, क्या उसके अंदर आपको ऐसे सवाल मिले थे? और अगर मिले थे लाइव चैट में जरूर बताना, ताकि हम यहां पर बाकी बच्चों को भी बता पाए कि कितना अच्छा होता है कि हम यहां पर अगर बचपन से ही हमारे कॉन्सेप्ट जो है उसको अगर स्ट्रॉन्ग करते आते हैं, हम अगर पूरे जो है डेडिकेशन के साथ में बचपन से अगर पढ़ाई की आदत डाल देते हैं ना, तो आगे तक हमारी काफी हेल्प करती है, ठीक है. 11th 12th में तो बच्चों यहां पर बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी है, ठीक है. सो लेट स्टार्ट. और यहां पर एक गलती कभी मत करना, आप यहां पर यह गलती मत करना कि आप यहां पर लेक्चर्स को केवल देख रहे हो. आपको लेक्चर्स को केवल देखना नहीं है, स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री आपको लेक्चर्स को केवल देखना नहीं है, आपको यहां पे अपने नोट्स भी रेडी करना है. एंड आई होप सारे बच्चे ये काम ऑलरेडी कर रहे थे, फंक्शंस और सेट्स में भी आई होप सारे बच्चों ने अपने नोट्स रेडी किए होंगे. लेकिन अगर नहीं किए हैं, अभी भी यहां पर देर नहीं हुई है, स्टार्ट कर देना, क्योंकि आपके यहां पर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर आने वाले हैं बहुत सारे फॉर्मुलेस, और जो बहुत सारे फॉर्मेट्स यहां पे हम पढ़ने वाले हैं उनको रिकॉल आपको बार बार करते रहना पड़ेगा. आपके सारे रिविजन्स यहां पर जो है जो होंगे वो आपके शॉर्ट नोट्स के थ्रू ही होने वाले हैं. मेक श्योर कि आप पहले लेक्चर से ही उनको रेडी करना स्टार्ट कर दें, ठीक है. ऑलराइट, विद दिस एडवाइस लेट अस बिगिन अवर डिस्कशन ऑन ट्रिग्नोमेट्री. सारे बच्चे यहां पर हमारे साथ में जो जुड़ चुके हैं, जल्दी से मुझे बताएं कि आपको क्या यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया ऑलरेडी लग चुका है? यस, वी ऑलरेडी हैव द आइडिया कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे वर्क करता है, तो उसी को हम यहां पे आगे समझना चाहते हैं. लेकिन थोड़ा सा यहां पर, वैसे मैं लाइव चैट में देख पा रहा हूं बच्चे बोल रहे हैं कि उनका फेवरेट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री. आई होप दैट रिमेन्स योर व्यू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द
प्लेलिस्ट एज वेल, यहाँ पर जो प्लेलिस्ट आपकी क्रिएट होने वाली है, यहाँ पर जो पूरा एक कोर्स के तरह से आपको यहाँ पर प्रेजेंट किया जाने वाला है पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, आई होप कि आपको एंड में भी यही बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आपका फेवरेट चैप्टर है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे यहाँ पर हमारे डिस्कशन होने वाले हैं जहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें याद भी रखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन है, अगर हम पहले इनको डिस्कस कर लेंगे तो हमें यहाँ पर एक बेसिक फील आती है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का मेन रीजन क्या था, या फिर ये जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बेसिकली डेवलप हुई है वो क्यों हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर सोच के देखो, हमारे पास में अगर लेट अस से यहाँ पर ये फिगर जो है, ऑब्वियसली मेरे पास में जो है केवल एक ट्रायंगल की तरह बना हुआ है, लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ए बी जो है, मान लो कि आपके उसमें एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है, अगर ए बी आपके उसमें बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है तो क्या आप उस बिल्डिंग की हाइट फाइंड करके दिखा सकते हो? इस तरह का चैलेंज हमारे पास में अगर है तो क्या हम एक्चुअली बिल्डिंग के ऊपर चढ़ेंगे? क्या स्पाइडरमैन की तरह मैं जो है टेप लेके चढ़ूंगा पूरी बिल्डिंग को यहां पर नापने के लिए, है ना? वो किया जा सकता है, नो डाउट वो किया जा सकता है, लेकिन यार वो इतनी मेहनत ज्यादा हम क्यों करेंगे? क्या हमारे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम यहाँ पर बिना बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुए, है ना, या फिर बिना म्यूटेशन के भी यहाँ पर जो है इस टास्क को कंप्लीट कर पाए, है ना? अगर ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अगर ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो अगर मुझे इसकी हाइट फाइंड करनी है तो एक बहुत ही एक अमेजिंग आइडिया हमारे पास में होता है, ठीक है। हम यहां पर करते क्या है, हम एक बहुत दूर से ये देखते हैं कि यार उस बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, मतलब अगर मुझे उस बिल्डिंग का टॉप देखना है तो मुझे कितने एंगल पे अपनी गर्दन ऊपर करनी पड़ रही है, और इसको हम यूजुअली थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। Now there is one trick that we can use, which we have studied in our junior classes, which is called similar triangles. ठीक है, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक छोटी सी स्टिक, है ना, या फिर एक बहुत ही छोटा सा एक रॉड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं रास्ते के अंदर, ठीक है। ऑलरेडी मैं यहां पर देख रहा हूं, मैं इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ऑलरेडी अपने बिल्डिंग का टॉप देख रहा हूं, ठीक है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, एक छोटी स्टिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ताकि मुझे उसी लाइन में इस ट्रिक का अपर एंड भी नजर आए और उसी के आगे चल के मुझे उस बिल्डिंग का टॉप भी नजर आ जाए। अगर मैं इस तरीके से स्टिक को प्लेस कर पाता हूं तो मेरे पास अब यहां पर होगा क्या, मेरे पास यहां पे बेसिकली दो सिमिलर ट्रायंगल्स बनते हुए नजर आएंगे। एक सिमिलर ट्रायंगल आपको यहां पर नजर आएगा विद द हेल्प ऑफ द बिल्डिंग, जिसका नाम क्या रख सकता हूं मैं यहां पर, ए बी सी, जो आपको यहां पर एक सबसे बड़ा ट्रायंगल है उसके अंदर एक साइड लेंथ एक्चुअली हमारी बिल्डिंग वाली है, और एक और यहां पे ट्रायंगल देखो, सबसे छोटा वाला ट्रायंगल जो है आपके पास में, विच इज पीक्यूसी। ये जो पीक्यूसी हमारे पास में एक ट्रायंगल बन रहा है, इसके अंदर अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि यहां पर हमने तो स्टिक या फिर जो रॉड इस्तेमाल करी है वो तो बहुत ही छोटी है, तो हमें उसका लेंथ पहले से पता है, उसके लिए हमें ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो तो हम यहां पर फ्लैट अपने टेबल पर रख के उसके लेंथ निकाल चुके हैं। सो वॉट वी नो इज कि यार ये लेंथ कितना है, हमें पता है कि इस पर्टिकुलर रॉड का लेंथ कितना है, और जो भी डिस्टेंसेस हमें यहां पे हॉरिजॉन्टली सड़क के ऊपर या फिर हॉरिजॉन्टली अर्थ के ऊपर काउंट करने होते हैं उसके अंदर ज्यादा हमें परेशानी नहीं होती है, हमें दिक्कत आती है जब हमें ऊपर जाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम यहां पे कौन कौन से डिस्टेंसेस फर्दर निकाल सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने यहां पर अपनी रॉड को प्लेस किया उसके लिए आपको यहां पे पहले वर्क करना पड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी रॉड की लेंथ तो चेंज होने वाली नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था कि आप ऑलरेडी एक पर्टिकुलर एंगल पे अपने बिल्डिंग के टॉप को देख रहे थे, आपको अपनी स्टिक को इस तरीके से प्लेस करना है ताकि आपको उसी डायरेक्शन में अब स्टिक का जो अपर एंड है वो भी दिखने लग जाए। तो मतलब यहां पर अब डिसाइड क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर हमारा एक स्टिक प्लेस करने का तरीका है उससे डिस्टेंस ऑफ स्टिक फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पर अपने आप सिलेक्ट होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये भी मैं मेजर कर सकता हूं, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है इसको भी मैं मेजर कर सकता हूं। व्हाट कैन आई फर्दर मेजर, मैं ये भी देख सकता हूं कि मेरा जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द टॉप, मतलब जो बिल्डिंग का यहां पे जो लोअर मोस्ट पॉइंट है वो कितना दूर है मेरे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, वो भी मैं काफी आसानी से मेजर कर सकता हूं। सो आई हैव इन ऑल थ्री डिस्टेंसेस विच कैन बी मेजर्ड वेरी इजिली। With the help of these three distances, now we can actually answer the सवाल जो हमने starting में आपसे पूछा था, वो क्या था कि building की height कितनी है। और ऐसे सवाल आपने heights and distances एक जो application होता है trigonometry का वो आपने 10वीं class में बहुत बार किया हुआ है, और वो actually यहीं से start हुआ हमारा जो पूरा ये idea है कि trigonometry यहाँ पर important क्यों, वो यहीं से start हुआ है। आप यहां पर देखो कि मेरे पास में सिमिलर ट्रायंगल्स यहां पर बन रहे हैं, कौन कौन से, मेरे पास में एक ट्रायंगल है, मेरे पास में एक ट्रायंगल है एबीसी जो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पीक्यूसी के। गुड थिंग इज कि हमारे पास एक ही अननोन
यहां पर आपके पास में साइड लेंथ है विच इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग और दूसरे जितने भी हमारे यहां पर लेंथ है ट्राइंगल के वो हम पता कर चुके हैं, हम यहां पर प्रैक्टिकल मेजर करके उनको पता कर चुके हैं, ठीक है। तो सोचो यहां पर ध्यान से कि अब मैं क्या क्या रेशियोज लिख सकता हूं। अगर मेरे दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो यहां पर आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो मेरा जो यहां पर ए बी करस्पॉन्डिंग वर्टिकल साइड है उसके करस्पॉन्डिंग छोटे वाले ट्राइंगल में साइड कौन सा है, वो मेरे पास में एल लेंथ है जिसकी वैल्यू मैं जानता हूं क्योंकि रॉड तो मेरे हाथ में थी, ठीक है, मैं इसकी लेंथ जानता हूं कितनी है, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो यहां पे बेस का डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ये है वाई के बराबर, इसका भी लेंथ आप बड़ी आसानी से क्योंकि ग्राउंड के ऊपर है ना तो मेजर कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। और ऑब्वियसली आपके यहां पर जो एंड पॉइंट है जो ग्राउंड के ऊपर है स्टिक का उसका डिस्टेंस भी यहां पर आपको पता है विच इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास में यहां पर जो दो ट्राइंगल्स हैं हमने उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल किया है ना। करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से हमारे पास में, वर्टिकल साइड और बेस परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस अपॉन बेस करेंगे। तो यहां पर हमें अब एल वाई और एक्स की मदद से हमारी बिल्डिंग की हाइट सक्सेसफुली पता चल जाएगी, एल इंटू वाई अपॉन एक्स। एंड दिस इज द आइडिया जिसने हमें यहां पर हमारे जो पूर्वज है ना उनको बेसिकली यहां पर प्रेरित किया है ना, उनको मोटिवेट किया टू डेवलप समथिंग लाइक ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि यहां पर वो क्या नोटिस कर रहे हैं, यहां पर वो ये नोटिस कर रहे हैं कि यार अगर इसी के बीच में मेरे पास में एक दूसरी बिल्डिंग होती या फिर लेट अस से कोई ट्री होती, मेरे पास में इसी के बीच में अगर कोई एक दूसरी ट्री होती तो भी मैं यहां पर उसका लेंथ इसी छोटे ट्राइंगल के साथ में सिमिलर करके निकाल सकता था। मतलब फिर से L और X की मदद से ही मैं यहां पर ये जो बीच वाला एक एक्स्ट्रा ट्री आ रहा है बीच में उसकी भी हाइट बता सकता हूं। बस मुझे क्या करना पड़ेगा, उस ट्री का जो बेस है वो कितना दूर है मुझे पता करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मेरे पास में यहां पे L और X तो चेंज होने वाले नहीं है, ये जो Y का वैल्यू है ये चेंज हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग मेरे यहां पर ट्री का जो हाइट है वो भी निकल के आ जाएगा। सो वॉट वी ऑब्जर्व इन दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज कि यहां पर रेशियोज बेसिकली जो है इक्वल आ रहे हैं बिकॉज सिमिलर ट्राइंगल, रेशियोज इक्वल क्यों आ रहे हैं बिकॉज सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड किस पे कर रहे हैं, ये जो रेशियो का वैल्यू है ये चेंज कब नहीं होगा, ये रेशियो का वैल्यू चेंज तब तक नहीं होगा जब तक ये एंगल आप चेंज नहीं करते। तो हमें यहां पर बेसिकली अब एंगल पे डिपेंडेंसी क्रिएट करवानी है, हमें बोलना है कि यार ये रेशियोज जो है ना कहीं इस एंगल के साथ में लिंक्ड है, अगर मैंने एंगल चेंज कर दिया तो फिर यहां पर ये जो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियोज हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहां पे अब इन रेशियोज को थीटा के टर्म्स में लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या ये बात समझ में आई सारे बच्चों को, सिमिलर ट्राइंगल की वजह से यहां पर जो साइड्स का रेशियो है वो तो आइडिया ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका है, अब हम इन साइड्स के रेशियो को नाम देना चाहते हैं, हम इनको नाम देना चाहते हैं, ठीक है। और हमारे पास में क्योंकि यहां पर जब भी इस तरह के प्रैक्टिकल सिनेरियोज होते हैं हमेशा हमारे पास में जो है राइट एंगल ट्राइंगल ही क्रिएट होता है। अगर मुझे यहां पे कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग या फिर बहुत बड़ा ट्री जो है उसकी हाइट अगर निकालनी है तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास में यहां पे क्रिएट होता है ना, प्रैक्टिकली अगर यहां पे सोचूं तो इसलिए यहां पर हम जो आज यहां पे स्टडी करने वाले हैं वो क्या है, हम यहां पे अपनी ट्रिग्नोमेट्री पूरी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जब हम यहां पे प्रैक्टिकल जो है वैल्यूज की बात करते हैं तो हमें यहां पे चैप्टर के एंड तक लेक्चर के एंड तक आते आते ये फील होने वाला है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही अगर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते रहेंगे तो फिर तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, एंड दैट विल ले द फाउंडेशन, दैट थॉट विल ले द फाउंडेशन फॉर अपकमिंग लेक्चर्स, ठीक है। और यहां पर ही आकर आपका बेसिकली जो है राइट एंगल ट्राइंगल में क्लास टेंथ का पूरा सिलेबस रैप अप हो जाता है ना, वो जहां रैप अप होता है वहां से आपका क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट होता है, ठीक है। बट गुड थिंग इज हम यहां पर क्योंकि अब जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सो वी विल डिस्कस अ फ्यू आइडियाज विच यू ऑलरेडी नो है ना, ऑब्वियसली जैसे कि ये वाला आइडिया भी काफी सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, एंड जो मैं यहां पर अब फर्दर आपको नाम बताने वाला हूं वो भी ऑब्वियसली कई सारे बच्चों को पता होंगे। जैसे कि हमने यहां पर डिसाइड क्या किया है कि हमारे ट्राइंगल के अंदर, हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो तीन साइड्स होती हैं उनके रेशियोज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता चल चुका है, राइट। हमारे जो यहां पर रेशियोज हैं ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, हमें पता चल चुका है। और ये रेशियोज कब तक चेंज नहीं होंगे, जब तक मैं यहां पर अपना एंगल चेंज नहीं करूंगा तब तक ये रेशियोज चेंज नहीं होंगे,
ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक और छोटा ट्राइंगल इंट्रोड्यूस कर दूं, लेकिन ये एंगल चेंज ना करूं, ठीक है, यहाँ पर ये A1 B1 कर दूं, तो ये जो नया यहाँ पर आपका ट्राइंगल बना है छोटा वाला, इसके भी साइड्स का रेशो वही निकल कर आएगा जो बड़े ट्राइंगल के साइड्स का रेशो निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसलिए थीटा को इंपॉर्टेंस देते हुए अपने नाम यहाँ पे अब रखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो नाम रखा है वो हमने क्या क्या रखे हुए हैं, है ना, रिकॉल कर पा रहे हैं सारे बच्चे? सबसे पहला ऑब्वियसली साइन थीटा, आपका फेवरेट चैप्टर था यार बच्चों, ठीक है, साइन थीटा। वैसे तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, SINE, लेकिन हम यहाँ पे डिसाइड कर चुके हैं कि शॉर्ट फॉर्म में लिखते समय हम वर्ड के केवल पहले 3 लेटर्स ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा नाम की जो चीज़ है हमने डिसाइड करके रखा है कि हमने किसको साइन थीटा बोला। हमने यहाँ पर जो थीटा के अपोजिट साइड है और उसको डिवाइड करते हैं अगर हम हाइपोटेनस से, तो ये जो हमारे पास में रेशो क्रिएट होता है उसको हम बेसिकली साइन थीटा बोलते हैं। मतलब बेसिकली अपोजिट वाले को हम डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर P से, जो एडजेसेंट है उसको हम डिनोट कर सकते हैं बेस B से, और जो हाइपोटेनस है उसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे H से। तो हमारे पास में साइन थीटा की वैल्यू कितनी आती है, ये आती है हमारे पास में अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब P अपॉन H, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा है ना, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, कोसाइन, वो वैल्यू कितनी आती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और जो आपके उसमें यहाँ पे टेंजेंट थीटा, जिसको लिखते कैसे हैं, टैन थीटा, ये वैल्यू कितनी आती है, ये हमने रेशो किसका, ये नाम किसको दिया है, ये बेसिकली एक रेशो का नाम है। किसके रेशो का नाम है, ट्राइंगल की साइड्स के रेशो का नाम है, ठीक है। और ट्राइंगल की कौन सी वाली साइड्स का रेशो लेते हैं तो टैन बनता है, तो परपेंडिकुलर और बेस लेते हैं तो यहाँ पे टैन बनता है। ये हमने नाम खुद से दिए हैं, ये हमने नाम दिए हैं, इसके पीछे एज सच आप अगर मुझसे कोई प्रूफ पूछोगे तो वो नहीं है मेरे पास में, है ना। साइन थीटा मतलब P अपॉन H होता है, मैं आपको ये ज्ञान दे सकता हूं और आपको ऐसे के ऐसे उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो हमारे पास में ट्रायंगल के सारे ही साइड्स का रेशो इंपॉर्टेंट था तो हमने उनके नाम रख दिए। फिर हमें याद आया रेशो है तो रेशो तो उल्टा भी हो सकता है, तो हमने उल्टा करके जो यहाँ पर रेसिप्रोकल करके जो यहाँ पर हमारा रेशो क्रिएट हो रहा है उसके भी हमने नाम रख दिए साइन थीटा, है ना। अब यहाँ पे थीटा देखो इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, थीटा इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, थीटा के टर्म्स में यहाँ पे नाम रखना जरूरी था, क्योंकि अगर ये चेंज हो जाएगा तो रेशो चेंज हो जाएगा। अगर ये आप सेम रखते हो तो ऐसे कितने ही ट्रायंगल बना लो, कितना ही छोटा ट्रायंगल बना लो, कितना ही बड़ा ट्रायंगल बना लो, आपकी ये जो रेशो है ये चेंज नहीं होने वाला है। पी अपॉन एच का वैल्यू क्यों, सिमिलर ट्रायंगल। अगर आप यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल की आइडिया को एक्चुअली समझ चुके हो तो आपको भी समझ में आ गया है कि यार ये अगर ट्रायंगल में छोटा कर दूं तो भी साइन थीटा का वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि थीटा चेंज नहीं हुआ है। यस, सिमिलर ट्रायंगल की वजह से हम ये बेसिकली कॉन्स्टेंट चीज नोटिस कर पा रहे हैं। तो हमने यहां पर रेसिप्रोकल करना स्टार्ट किया, हमने बोला कि साइन का रेसिप्रोकल करके कुछ नया नाम देना पड़ेगा, तो हमने उसको कोसेक नाम दिया है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हमने कोसेक बोला है। ऑब्वियसली रेसिप्रोकल करें तो एच अपॉन पी बोलेंगे, है ना, उल्टा कर दिया। जो कॉस थीटा है उसका रेसिप्रोकल हमने सीकेंट बोला है, ऐसी सी से उसको डिनोट करेंगे तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। और टैन का रेसिप्रोकल हमने को टैन बोला है, मतलब कॉट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये कुछ रेशोज हमने डिसाइड कर दिए, इससे ज्यादा रेशोज हम क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। अगर और क्रिएट कर पा रहे होते तो हम और भी यहाँ पे नाम देने के लिए रेडी थे, नाम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब रेशोज खत्म हो गए तो हमने यहाँ पे 6 रेशोज बेसिकली अपने डिसाइड किए हुए हैं। क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, all right. So if this is clear, then we can again look at our triangle. And whenever we look at a right angle triangle, हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज जो आती है हमारे दिमाग में, that is Pythagoras theorem, है ना, don't lie. मुझे पता है कि right angle triangle देख के अभी भी आपके दिमाग में सबसे पहले जो आता होगा वो क्या होगा, Pythagoras theorem हमारे दिमाग में सबसे पहले वैसे भी आता है। तो हमने यहाँ पे रियलाइज किया कि यार अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल में अपने रेशोस को, है ना, कुछ ना कुछ नाम ऑलरेडी दे चुका हूं, और अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल में ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम भी जानता हूं, तो क्यों ना मैं इन दोनों थॉट्स को मर्ज करूं। और जब हमने इन दोनों थॉट्स को मर्ज किया तो हमारे पास में क्या निकल कर आई, हमारे पास में निकल कर आई कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज, है ना, फंडामेंटल आइडेंटिटीज हमारे पास यहाँ पे डेवलप होती हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, जिसमें से सबसे फेमस, सबसे सिंपल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 क्यों होता है, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम वाला आइडिया से हमने यहाँ पर अपना डिस्कशन स्टार्ट किया है। आप सोचो यहाँ पर हमारे पास में, ध्यान से देखना सारे बच्चे, हमारे पास में ये जो AB है जिसको हम P से परपेंडिकुलर से डिनोट कर रहे हैं, ये जो BC है जिसको हम बेस B से डिनोट कर रहे हैं, और ये जो हाइपोटेनस है जिसको हम H से डिनोट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे P, B और H में रिलेशन लिखने की कोशिश करता हूं, देन वी ऑल नो कि यहां पर पाइथागोरस थ्योरम कैसे वर्क करेगा, कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
यस और नो, कैसे वर्क करने वाला है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है आपका एच स्क्वायर होगा ही होगा, और क्योंकि अब मैं यहां पे अगर एच स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं तो कोई मना नहीं कर सकता मुझे। अगर मैं एच स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास में आएगा पी अपॉन एच का स्क्वायर एंड प्लस बी अपॉन एच का स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एंड इंटरेस्टिंगली अभी इन्हीं रेशियोज के तो हमने नाम रखे हैं तो उनको यहां पे इस्तेमाल कर लो। पी अपॉन एच हमने किसको बोला था? पी अपॉन एच हमने किसको बोला था? साइन को बोला था। बी अपॉन एच हमने किसको बोला था? कॉस को बोला था। ठीक है, तो पी अपॉन एच और बी अपॉन एच को जैसे आप यहां पे रिप्लेस करते हो साइन और कॉस से, आपके उसमें एक जो है थीटा के टर्म्स में एक बढ़िया सी फंडामेंटल आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है, विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, विच इज बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम। इट इज बेसिकली कन्वर्टेड फॉर्मेट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को? है ना, ये भी कई सारे बच्चों को पता होगा। तो यहां पर जो है जल्दी से इन चीजों को देख लेते हैं फिर करेंगे हम क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस में आप यहां पे ऑलरेडी प्रो हैं तो आप यहां पर मेरे सॉल्व करने से पहले भी सारे क्वेश्चंस के आंसर लाइव चैट में दे सकते हैं। ठीक है, अगर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, तो यहां पर सारे बच्चे अटेंटिवली सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे अपार्ट फ्रॉम लिसनिंग टू द थ्योरी ऑब्वियसली। ठीक है, हमारी पहली आइडेंटिटी जो हमें याद करना है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। बोलने का तरीका चेंज किया केवल हमने, पहले हम यहां पे साइड्स के टर्म्स में बोल रहे थे, अब हम यहां पे रेशियोज के टर्म्स में बोलना स्टार्ट करें। तो रेशियोज के क्योंकि नाम है तो हमने नाम लिख दिए, इसका नाम साइन थीटा है, इसका नाम कॉस थीटा। अब यहां पर हमारे पास में और भी दो आइडेंटिटीज हैं। एक आइडेंटिटी हमारे पास में है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये कहां से आया? ये भी पाइथागोरस थ्योरम ही है, किसी और चीज से डिवाइड कर दिया होगा शायद, एक बार चेक करके देखते हैं। ठीक है, फिर से आपके उसमें अगर ये परपेंडिकुलर है, ये अगर आपके बेस है और ये आपका अगर हाइपोटेनस है। ठीक है, तो आप यहां पे रिलेशन कौन सा क्रिएट करते हो? आप रिलेशन क्रिएट करते हो यहां पे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम हमको पता ही है, पिछली बार हमने एच से डिवाइड किया था ना, इस बार बी से डिवाइड करो, इस बार बी स्क्वायर से डिवाइड करो। बी स्क्वायर से अगर डिवाइड करोगे तो आपके इसमें क्या आएगा? पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एच अपॉन बी का स्क्वायर। एंड लेट अस नाउ लुक एट द रेशियोज जो हमने ऑलरेडी यहां पर लिखे हुए हैं। पी अपॉन बी हमने किसको बोला है? ठीक है, पी अपॉन बी हमने किसको बोला है? पी अपॉन बी हमने यहां पे टैन थीटा को बोला है। ठीक है, और क्या चाहिए मुझे यहां पे? तो यहां पर तो टैन थीटा आ जाना चाहिए, यहां पे टैन थीटा मतलब टैन स्क्वायर थीटा आ जाना चाहिए। और एच अपॉन बी क्या है? एच अपॉन बी क्या है देख लेते ना एक बार, क्या दिक्कत है? एच अपॉन बी हमारा सीकेंट है, एच अपॉन बी हमारा जो नाम है वो क्या है? सीकेंट थीटा। तो वहां पर डालते हैं और हमारे पास में अपनी दूसरी फंडामेंटल आइडेंटिटी रेडी हो जाती है, विच इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और इतने ही आसानी से लिटरली तीन स्टेप के अंदर आप अपनी थर्ड आइडेंटिटी भी रेडी कर सकते हो, विच इज वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कैसे करेंगे? फिर से यहां पर आपके उसमें जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो एच स्क्वायर के बराबर है, आप पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो इस बार। अगर आप पी स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो वन प्लस बी अपॉन पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन पी का स्क्वायर ऐसा क्रिएट होता है। तो आपका यहां पर यह बनता है कॉट और ये बनता है आपका कोजेक। तो इसी के साथ में आपकी जो तीनों आइडेंटिटीज हैं जिनके ऊपर आपने महारत ऑलरेडी हासिल करके रखी है, यस और नो, आपने क्लास दसवीं का बोर्ड नहीं दिया है इस बार, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपने मेहनत नहीं करी थी। ठीक है, मेहनत तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ऑलरेडी करके रखी है। ठीक है, बस आपके इसमें अब जो है ऐसा वैलिड प्रूफ नहीं रहेगा कि आपने मेहनत करी थी, आपके इसमें जो रिजल्ट आएगा वो क्वेश्चनेबल रहेगा आपकी बार, क्योंकि आपके एक्चुअल पेपर्स नहीं हो रहे हैं। बट आई गेस दैट इज गुड फॉर एवरीवन। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर जो है हमारी जो सेहत है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आप अगर यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था तो यार वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा सही थॉट है नहीं। ठीक है, बेटर टू लिव एंड प्रूव आवर सेल्स लेटर रादर देन डाई टूडे। ठीक है, तो बेटर यही है कि हम यहाँ पर जो है अपने आप को अगर प्रूव करना चाहते हैं तो आगे यहाँ पर बारहवीं में प्रूव कर लेंगे, है ना, जेई में प्रूव कर लेंगे या और आगे जाके कभी प्रूव कर लेंगे लाइफ में। ठीक है, दसवीं गई तो गई, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ऑल राइट, सो यस, ऑल राइट, चलो। तो यहाँ पर हमारे पास में जो तीन आइडेंटिटीज आ गई हैं, लिख ली सारे बच्चों ने, वैसे तो आपके दिमाग में ऑलरेडी एनग्रेन्ड है ना, आपको पता है यहाँ पर कि यार ये तीन आइडेंटिटीज होती है हमारी जिनको हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज बोलते हैं। ठीक है, और आपको ये सारे नाम भी पता होंगे। ठीक है, एंड कुछ तो यहाँ पर जो है आपको स्कूल टीचर ने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वगैरह कुछ कुछ यहाँ पे याद करवाने की कोशिश की होगी, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ इतनी सिंपल चीज़ को याद करने में इतने शॉर्टकट क्रिएट करने की ज़रूरत क्या है, है ना, उस तरीके से याद करेंगे उस तरह डायरेक्टली याद कर लो, ये क्या कहते हैं, है ना। कितने बच्चे जो यहाँ पर जो है शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं इसको याद रखने के लिए,
आई डोंट थिंक कोई भी करता होगा, है कि नहीं? क्या जरूरत है, मतलब क्या ही है, मतलब ये साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये तो ऐसे भी याद ही हो जाता है, ठीक है, इसके लिए ऐसे पंडित बद्री प्रसाद ऐसा कुछ बोलने की जरूरत तो है नहीं वैसे, ठीक है, ऑल राइट चलो, लेकिन बच्चों को अच्छा लगता है इसलिए यहाँ पर टीचर्स दसवीं क्लास में बता देते हैं, लेकिन अब हम बड़े हो गए, ठीक है, अब हम बड़े हो गए तो यहाँ पर जो है ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएँ, ऑल राइट ग्रेट, लेकिन अभी अभी यहाँ पे और एक दो चीज़ें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, एंड विच इज़ कि हमारे पास में जो रेशो से उनको हम अगर थोड़ा और अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, ठीक है, देन देर इज सम रिलेशन दैट वी शुड रिमेंबर, ठीक है, ओहो ये अलग आ गया, रिपीट हो गया क्या, ओहो हो, चलो कोई बात नहीं, ये स्लाइड एक्स्ट्रा है ना, इसको जाने दो, हमारे पास में एक स्लाइड ये, एक स्लाइड ये और एक स्लाइड ये, ठीक है, हाँ तो ये तीनों आइडेंटिटीज हमारे कवर हो चुके हैं, साइंस स्क्वायर वाली, टेन स्क्वायर वाली और कॉट स्क्वायर वाली, ग्रेट, ऑलराइट, तो ये तो एक्स्ट्रा ही है, इसको जाने दो। हाँ, मैं इसकी बात करना चाह रहा था, हमारे पास में यहाँ पे कुछ रेशोज जो हैं वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, ये तो नाम रखते समय हमने डिसाइड किया था कि यार ये रेसिप्रोकल एक दूसरे के, ठीक है, सो टैन का रेसिप्रोकल जो था उसको हमने कॉट बोला है, साइन का रेसिप्रोकल जो है उसको हमने कोसेक बोला है, और कॉस का जो रेसिप्रोकल है उसको हमने यहाँ पे सीकेंट बोला है। हो सकता है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय इन वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज करने से फायदा मिले, तो याद रखना इस बात को याद रखना, आपने यहां पे ये कई बार किया हुआ होगा कि यार कॉट दिख रहा है, कॉट को 1 बाय टैन कर दो, है ना, इस टाइप की चीजें आपने करी होंगी, आपको कोसेक दिख रहा है 1 बाय साइन कर दो, सिंप्लीफाई करते हैं तो कुछ ना कुछ यहां पर जो है अच्छा दिखता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली यहां पर बात यह है कि अगर हम सॉल्व करना स्टार्ट कर दें और अगर हम यहाँ पे करते जाएं तो कुछ ना कुछ करके आंसर तो आ जाता है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि विथ प्रैक्टिस हमें एक ऐसा रास्ता सिलेक्ट करते आना चाहिए विच इज द शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर हम मेहनत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में इधर उधर करके कुछ ना कुछ करके तो प्रूव चीजें हो ही जाती है ना, आपने एक बार टेंथ क्लास के प्रैक्टिस करते समय नोटिस ऑलरेडी की होगी, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट इज टू प्रैक्टिस इनफ ताकि आपको पता चले कि यार कौन सा रूट फॉलो करने से हमें ज्यादा जल्दी आंसर मिल सकता है, ठीक है, और राइट, सो हम यहाँ पे फिर से आज भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, एक पूरे साल का एक तरीके से आपका रीकैप होने वाला है एक सिंगल लेक्चर के अंदर, ठीक है, और राइट, तो रेसिप्रोकल सिस्टम याद है सारे बच्चों को, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज याद है ना, एंड ऐसे ही एक और कॉम्बिनेशन आपको याद होना चाहिए एंड वो सभी बच्चों का फेवरेट होता है क्योंकि मेरा भी था, अगर आपको टैन सीकेंट कॉट इस टाइप की चीज़ें अगर बहुत सारी दिखाई दे रही हैं अपने क्वेश्चन के अंदर और आपको यहाँ पे कुछ प्रूव करना है तो आप क्या करते हो, टैन को साइन कॉस में चेंज कर दो, साइन कॉस में चेंज कर दो आ जाएगा, ठीक है, कितने बच्चे एग्री करते हैं इस थॉट के साथ में, है ना, कि क्या करना होता है, साइन कॉस में चेंज कर दो, ठीक है, विच इज दिस थिंग, अगर आपके उसमें यहां पे टैन नजर आ रहा है और आपको अगर टैन अच्छा नहीं लगता तो आप उसको साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो और अगर आपको कॉट अच्छा नहीं लगता तो आप उसको कॉस अपॉन साइन लिख सकते हो, यस यस और नो, हाँ तो इतने सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था, है ना, मैं भी यही काम करता था, अगर जो है मेरे पास में कोई भी एक जो है अजीब सा दिखने वाला क्वेश्चन आता था पहले साइन कॉस में चेंज करते हैं फिर देखा जाएगा क्या करना है, ठीक है, हालांकि कुछ क्वेश्चन बहुत अमेजिंग होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको साइन कॉस में अगर आप चेंज करते हो ना तो और ज़्यादा अटक जाते हैं, है ना, और मेरे ख्याल से वो सवाल सबसे ज़्यादा जो है दिमाग में हमारे रहते हैं, आज भी हम एक सवाल करने वाले हैं जो आप सभी बच्चों को याद होगा, लिटरली याद होगा कि यार ये वो सवाल है जो हमने किया था क्लास में दसवीं क्लास में, ठीक है, तो बताना सारे बच्चे कि वो कौन सा सवाल होगा, पहले आप मुझे ये बताओ कि ये जो हमने लिखा हुआ है एग्री कर रहे हैं आप सारे बच्चे इस थॉट के साथ में, क्योंकि हमने यहाँ पर जो साइन थीटा लिखा था वो लिखा था हमने अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो हमने कॉस थीटा लिखा था वो लिखा था हमने कितना बेस अपॉन हाइपोटेनस, और आपका जो टैन थीटा है वो कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो लिटरली आप यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हो, अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो वही आता है, लिटरली आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड बेस अपॉन हाइपोटेनस, आपका हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा और ये पी अपॉन बी आता है, बात समझ में आ रही है, तो इसलिए हम यहां पर जो है ये बोल पाते हैं, ये हमारी जो है क्वेश्चन वाली आइडेंटिटी है कि आपका टैन थीटा जो है इट कैन बी रिप्लेस्ड विद साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल कि कॉट थीटा कैन बी रिप्लेस्ड विद कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, इतना नॉलेज अगर आपके पास में है तो आप बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है, क्या नॉलेज, फंडामेंटल आइडेंटिटीज का अगर आपके उसमें नॉलेज है तो आप बहुत अमेजिंग क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के आप करना स्टार्ट कर सकते हो, एंड लेट अस बिगिन विद अ सिंपल वन,
ओके तो यहाँ पर क्वेश्चंस का अब यहाँ पर लड़ी लग गई है ना। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मैंने यहाँ पे बहुत बोल लिया, अब आप यहाँ पर जो है अपने जो है नोटबुक पे सॉल्व करना स्टार्ट करें सारे बच्चे, और ऑप्शंस में बताएं कि एबीसीडी में से क्या ऑप्शन आपका यहाँ पे आना चाहिए। ऑलराइट हाँ जी, क्वेश्चंस के ऊपर आ चुके हैं सारे बच्चे यहाँ पे, आई होप पेन पेपर के साथ में रेडी हैं, थक तो नहीं गए यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के। मैथमेटिक्स में आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, पहले दिन से ही यहाँ पर आप पकड़ के रखो सारी चीज़ों को। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्लास 11th में पढ़ा दूंगा, मतलब वैसे तो बच्चे हर साल ही बोलते हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि यार वो 20 मिनट का लेक्चर में कहाँ पे अकोमोडेट करूँ। लिटरली इट विल टेक हार्डली 20 मिनट्स टू टीच प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एंड इसलिए फिर मैं पढ़ा नहीं पाता हूँ। ऑल राइट, ठीक है, अंकुर की क्वेरी थी ये। हाँ जी, हाँ ये 10th में था ना, अरे बिल्कुल, अरे रजनी यहाँ पर मैं तो कह रहा हूँ कि आज जो भी सवाल हम करने वाले हैं, अगर आपको लगे कि यार ये मैंने 10th में नहीं किया तो मतलब आपने प्रैक्टिस कम करी है 10th में, तो फिर आपने प्रैक्टिस कम करी है, ठीक है। ऑल राइट, सो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको सारे सवाल यहाँ पर ऐसे लगने चाहिए, अरे ये तो वो सवाल है, अरे ये तो एनसीईआरटी में था, अरे ये तो आरडी में था, अरे ये तो आरएस में था, अरे ये तो जो है टीचर ने क्लास में कराया था, ये तो हमारे बोर्ड्स के पेपर में आया था, बोर्ड्स का पेपर तो वहाँ नहीं आपका, सॉरी, ठीक है, प्री बोर्ड्स में आया था, ठीक है। ऑल राइट, ए फॉर अक्षय, अच्छा चलो बढ़िया, एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पर मैं कि यहाँ पर आपका आंसर क्या निकल कर आ रहा है, 2 cosec theta आई गेस इज द राइट आंसर। यहाँ पर कुछ भी खास काम नहीं करना है, आपको केवल एलसीएम लेना है, एलसीएम लोगे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा यहाँ पर देखें सर बच्चे, हमारे पास एलसीएम लेके क्रिएट क्या होगा, साइन जाएगा इस तरफ मल्टीप्लीकेशन में, 1+ जाएगा उस तरफ मल्टीप्लीकेशन में, तो हमारे पास जनरेट होता है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1+cos theta ऊपर से और 1+cos theta नीचे से हो जाएगा स्क्वायर, यस और नो, और नीचे आ जाएगी दोनों चीजें यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर एलसीएम लेने के बाद, 1+cos theta इंटू साइन थीटा। Now if you open this 1+cos theta का whole square, आपके पास में यहाँ पे जो है काफी एक बढ़िया expression create होने वाला है, sin square theta plus 1+cos square theta plus 2 cos theta, है ना, बिल्कुल भी यहाँ पर बड़ा नहीं हो रहा है solution, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, cos theta into sin theta, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, identity दिख गई, दिख गई आइडेंटिटी, यस और नो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिख गया सारे बच्चों को, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा क्या, 1 के बराबर। ऑलरेडी आपके पास में और एक 1 है, तो ये तीनों चीजें मिलकर कितने हो जाएंगे, 2 के बराबर, और आपके पास में उसके साथ में क्या है, आपके पास में 2 के साथ में है 2 cos theta, तो आप यहां से 2 कॉमन निकालोगे और अल्टीमेटली आपका 1+cos theta ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल गेट अवर ए आंसर, दिख गया। अगर आपने मुझसे पहले सॉल्व कर लिया है तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहां पे क्या बनना चाहिए, 2 cosec theta हमारे यहां पे फाइनल आंसर आना चाहिए, ठीक है, डन, बढ़ सकते हैं आगे। बस एलसीएम लेना था बच्चों इस बार, ज्यादा कुछ यहां पर जो है मैंने आपसे जो है करने के लिए बोला नहीं था, यस ऑलराइट। ए फॉर आत्मा, आत्मा आपके दिमाग में कहां से आया, ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं, यहां पर आगे बढ़ते हैं, लेट अस डू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना, सेकंड क्वेश्चन इज दिस, क्या ये सवाल भी आप फट से एकदम से करके दिखा सकते हो, कॉस ए अपॉन 1 - tan A प्लस साइन ए अपॉन 1 - cot A, ABCD में से क्या आपका आंसर निकल कर आना चाहिए, जल्दी से सारे बच्चे बताएं, एंड अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो टेल इन शॉर्ट कि आपने क्या अप्रोच इस्तेमाल करी। आई थिंक यहां पर हम काफी अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, है ना, क्या किया आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो भी यहां पर लाइव चैट में जरूर बताएं। ओके ओके, सामी इज फ्रॉम बांग्लादेश, ऑल राइट बेटा, वेलकम, गुड टू नो दैट वी आर एबल टू हेल्प पीपल इवन आउटसाइड इंडिया, ग्रेट यार, काफी अच्छा लगता है ये सब सुन के। हाँ जी, हाँ, क्या बात है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी जो है डी ऑप्शन तक पहुँचे हैं, बहुत सारे बच्चे डी ऑप्शन तक पहुँचे हैं, क्या आप भी उनमें से एक हो, जल्दी से यहाँ पर चेक करो। यहाँ पर आपको जो आइडिया इस्तेमाल करना है वो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके साथ में डिस्क्लोज करता हूँ, हमें यहाँ पर जो आइडिया इस्तेमाल करना है वो ये है, साइन कॉस में चेंज करो, टैन दिख रहा है, कॉट दिख रहा है, साइन कॉस में चेंज करो, साइन कॉस में चेंज करो, कुछ तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है, सो लेट्स वर्क ऑन इट आई गेस, ठीक है। तो हमारे पास में क्या बनने वाला है यहाँ पे, कॉस ए अपॉन हमारे पास में आएगा यहाँ पे 1 - sin A अपॉन कॉस ए, ठीक है, और वैसे ही अगले में कॉट नजर आ रहा है ना, तो उसको भी यहाँ पे साइन कॉस में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए,
ठीक है। और क्योंकि जस्ट बिकॉज मेरी राइटिंग बोर्ड के ऊपर बड़ी है इसलिए आपको लग रहा होगा कि यार ये तो सॉल्यूशन है काफी लेंदी हो गया, बट ऐसा नहीं है, है ना। यहां पर जो है आपका सॉल्यूशन काफी है ना, नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करना है, यहां पे नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करना, कितना हमने जगह ले ली उतना जो है नहीं देखना। यहां पर आप देखो ध्यान से, अगर आप यहां पे पहले एलसीएम लेते हो तो आपका जो एलसीएम कॉस है वो पलट के ऊपर जाएगा, पलट के ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर बनाएगा ऊपर, ठीक है। तो ऊपर बना हमारे यहां कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया हमारे पास में कॉस ए माइनस साइन ए। दिस इज द फर्स्ट फ्रैक्शन दैट इज क्रिएटेड। यहां पर भी एलसीएम लो, यहां पर एलसीएम लेने के बाद में आपका इसमें जो नीचे साइन आएगा वो पलट के ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा आपका इसमें यहां पे साइन ए माइनस कॉस ए। एक स्टेप बस यहां पे आप जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आप यहां पे माइनस लेने पर कंफर्टेबली एलसीएम ले पाओगे, ये सुनो। अगर आप माइनस कॉमन निकाल लेते हो तो यहां पर भी कॉस ए माइनस साइन ए बचेगा, यहां पर भी कॉस ए माइनस साइन ए बचेगा, मतलब आप डिनोमिनेटर डायरेक्टली मर्ज कर पाओगे। क्या करने से? माइनस साइन कॉमन लेने से। तो आपका अल्टीमेटली यहां पे डिनोमिनेटर मर्ज करने के बाद में एक्सप्रेशन क्या क्रिएट होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। आगे बात दिमाग में, हमने आपसे क्या बोला कि आप यहां पे माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकालोगे तो कॉस ए माइनस साइन है यहां पर भी, कॉस ए माइनस साइन है यहां पर भी, तो कॉस ए माइनस साइन है आपका एक कॉमन डिनोमिनेटर बना दो, और माइनस साइन क्योंकि आपने कॉमन निकाल के यहां पे डाली थी तो साइन स्क्वायर ए के आगे आपका माइनस का साइन आएगा। अब क्या करोगे, न्यूमरेटर में आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब अप्लाई करोगे तो आपके इसमें कॉस ए प्लस साइन है तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके साथ में कॉस ए माइनस साइन है भी बनेगा। कॉस ए माइनस साइन है अगर आप ऊपर नीचे से कैंसिल कर देते हो तो आपके पास में यहां पर क्या आता है, कॉस ए प्लस साइन है, फाइनल आंसर आपके यहां पर क्रिएट होता है विच इज योर डी ऑप्शन। यस ओके, तो पहले सवाल में हमने क्या किया था, पहले सवाल में कुछ नहीं किया था, एलसीएम ले लिया था, हमारे यहां पे आइडेंटिटी लग गई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली, और हमारा आंसर आ गया था। इस सवाल में हमने थोड़ा सा बेटर यहां पे स्टेप किया जहां पर हमने साइन कॉस में चीजों को चेंज किया है, ठीक है। एक एक करके आप सवाल करते होंगे आपको सारे आइडियाज जो है रिकॉल हो जाएंगे, है ना। साल भर में आपने जितनी प्रैक्टिस करी है वो एक लेक्चर में आपकी पूरी निचोड़ के सामने आ जाएगी। एंड दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सो इजी कि इट सरप्राइजेस एवरीवन कि ये जेईई मेन में आ चुका है। दिस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के लायक क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपके जेईई मेन में आ चुका है। तो जल्दी से यहां पर आंसर बताओ, एबीसीडी में से आपका आंसर क्या होगा। 2013 मेन में ऐसा सवाल बच्चों आपको पूछा गया था। ऑल राइट, ट्राई करें सारे बच्चे। ऑल राइट एवरीवन, कुमार शुभम सिंह, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्लास 10th का। अरे वाह क्या बात है, बाकी बच्चे भी रिकॉल कर पा रहे हैं क्या इतना कुछ? अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन जहां तक मुझे पता है एनसीईआरटी के तो याद नहीं मुझे, लेकिन हाँ ये जेईई मेन 2013 में जरूर आया था, ठीक है। ऑल राइट, तो यार ऐसी हमारी किस्मत भी होगी तो कितना अच्छा हो जाएगा। वैसे अभी अभी जो है जेईई मेन का पेपर जो है काफी मतलब अजीब हो गया है कहना चाहिए। कुछ कुछ स्लॉट्स जिसके अंदर एकदम से इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ कुछ स्लॉट में एकदम से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे कुछ भी एक्सपेक्ट तो नहीं करके जाना है पेपर में, ठीक है। हमें तो ये मान के चलना है कि डिफिकल्ट आएगा तो हम हमेशा खुश रहेंगे। अगर हम ये सोच के जाएंगे हमारे स्लॉट में सिंपल आएगा तो दुखी होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो है जेई मेन और जेई एडवांस है ना, दोनों ही पेपर को देते समय आप तो ये मान के जाओ कि डिफिकल्टी आने वाला है, एंड वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग, है ना। तो वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। अभी दो साल बाद हमें यहाँ पे पेपर देना है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट एवरीबडी इज़ रेडी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा अगर आप यहाँ पे रेसिप्रोकल वाला आइडिया इस्तेमाल करोगे। तो कॉट को आप यहाँ पे टैन में चेंज करो, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे आसान और जल्दी से सॉल्व करने वाला तरीका है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ चेंजिंग एवरीथिंग इनटू साइन कॉस, ध्यान से सुनने सारे बच्चे, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग एवरीथिंग इनटू साइन कॉस, ज़्यादा कचरा हो जाएगा, है ना, ज़्यादा कचरा मत करो, ठीक है। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो यहाँ पर अपने कॉट को टैन में चेंज कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो वन आइडिया दैट वी वॉन्ट टू यूज एनी वेज फॉर प्रैक्टिस, सो लेट अस यूज दैट मेथड। हालांकि आपने अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहले किया हुआ होगा, है ना, और अगर साइन कॉस से किया होगा तो फिर मेरे ख्याल से वो भी आपको कंफर्टेबल यहाँ पे लग रहा होगा, बट दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। कि हम यहाँ पर कॉट को 1/10 लिखेंगे, एंड 1/10 अगर मैं यहाँ पर भी लिखूँ, 1/10 अगर मैं यहाँ पर भी लिखूँ तो अगली स्टेप में बेसिकली ये नीचे आपको नजर आएगा, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू डू टू थिंग्स हियर, है ना। पहले तो यहां पर मैं क्या करना चाह रहा हूं, एलसीएम लेना चाह रहा हूं। एलसीएम जब मैं लूंगा तो टेन ए माइनस वन बनेगा, और ये जो नीचे वाला टेन है ये ऊपर जाएगा पलट के, तो आपके इसमें कितना आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपके इसमें टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन ए माइनस वन। नाउ
यहां पर भी tan a माइनस वन में क्रिएट कर सकता हूं अगर मैं माइनस साइन बाहर दे दूं तो. सो लेट अस डू इट ना. यहां पर अगर मेरे डिनोमिनेटर में अगर सिमिलर से ब्रैकेट बनेंगे तो उनको मर्ज करना ज्यादा आसान होता है, ये तो हमें पहले से पता है. ठीक है, सो लेट अस टेक आउट माइनस कॉमन फ्रॉम हियर. यहां पे माइनस इंट्रोड्यूस करते हैं, नीचे हमारे पास में क्या हो जाएगा, टैन ए माइनस वन हो जाएगा. और ये जो ऊपर वाला टैन है ये नीचे आने वाला है अगले स्टेप में वैसे भी, तो उसको नीचे लेते हैं, ऊपर वन बचेगा बस. नाउ इफ आई टेक एलसीएम इन दिस केस, अगर मैं यहां पे अब एलसीएम लूंगा तो मेरे पास में ये तो है, यहां पे दो है, तो बेसिकली ये हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया. तो हमारा जो एलसीएम है दैट इज टैन ए माइनस वन इंटू टैन ए. यहां पर टैन ए माइनस वन तो है लेकिन टैन ए नहीं है, तो मतलब टैन ए इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा फर्दर. एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम लेते समय आप यहां पर जो है जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको लिख लेते हो, तो यहां पर ये बड़ी वाली वैल्यू है. ठीक है, बड़ी वाली वैल्यू को आप यहां पे छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपको कितना बचेगा, टैन बचेगा. टैन जो बचा है वो बेसिकली आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि आपने पहले ही यहां पे टैन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया ताकि आपका यहां पर जो है डिनोमिनेटर सेम हो गया. टैन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से आपका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आपको डायरेक्टली मर्ज करके स्टेटमेंट लिखते आ रहा है कितना, टैन क्यूब ए माइनस वन. ठीक है, एंड विद दिस आई गेस वी हैव द लास्ट स्टेप आफ्टर दिस. अगर मैं यहां पर अपना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडिया इस्तेमाल करूंगा तो क्या यहां पे कैंसिलेशन हो जाएंगे जो मुझे यहां पर दिख रहे हैं. यस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है क्या, यहां पर वन को आप वन क्यूब बोल सकते हो, वन को आप वन क्यूब बोल सकते हो. ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. और नीचे क्या क्या है मेरे पास में, नीचे मेरे पास में है tan a माइनस वन और उसके साथ में एक और tan a. तो tan a माइनस वन तो देखो कटने के लिए ही दिया है. अगले स्टेप में आप एक छोटा सा काम और कर लो, आइडेंटिटी का यहां पे इस्तेमाल कर लो कि tan स्क्वायर प्लस वन कितना होता है, secant स्क्वायर होता है. यस yes. तो हो जाएगा secant स्क्वायर a प्लस tan a अपॉन tan a अपॉन टैन ए. जो है अगर आप इसको अगले स्टेप में स्प्लिट कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन टैन ए प्लस वन. एंड सीकेंट स्क्वायर ए अपॉन टैन ए को अब आप यहां पे जो है सिंप्लीफाई कर सकते हो बाय चेंजिंग टैन इनटू साइन एंड कॉस. अगर आप इसको साइन और कॉस में चेंज करते हो तो आपके इसमें फाइनल आंसर क्या बनता है, आपके इसमें फाइनल आंसर बनेगा यहां पर सीकेंट ए इंटू कोजेक ए प्लस वन. एक बार सारे बच्चे चेक कर लें, यस साइन नीचे रहेगा, कॉस नीचे के भी नीचे है तो वो ऊपर जाएगा पलट के, तो कॉस और साइन आपस में कॉस और सीकेंट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो कैंसिल होगा, एक कैंसिल होगा लेकिन एक सीकेंट बच जाएगा. तो इसमें से जो एक सीकेंट बच गया है वो यहां पर है और नीचे जो एक साइन बच गया है उसको हमने बेसिकली कोजेक करके लिखा है. तो सीकेंट ए इंटू कोजेक ए प्लस वन कौन सा ऑप्शन है, सीकेंट ए इंटू कोजेक ए प्लस वन इज द बी आंसर वी हैव. ठीक है, इतना सिंपल सवाल. यस यस बिल्कुल, यहां पर वैल्यूज डाल के भी आप बेटा सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, लेकिन अगर मैं अगर ऐसी मेथड आपके साथ में डिस्कस करूंगा तो फिर आप क्या करोगे. ठीक है, एटलीस्ट एज एन एजुकेटर मेरा यहां पर फर्ज बनता है कि मैं आपको एटलीस्ट सीधी तरीके से चीजें सॉल्व करना बता दूं. ठीक है, और वैल्यूज डाल के आप यहां पर एक एक ऑप्शन चेक कर सकते हो. ठीक है, अगर आपको वो अच्छा लगता है आप बिल्कुल करो, नोबडी स्टॉपिंग यू टू डू दैट. लेकिन मेरी सजेशन अगर मानो, है ना, और ये बहुत ही जेन्युइन सजेशन है उन सभी बच्चों को जो यहां पर शॉर्टकट के पीछे भागते हैं. ठीक है, शॉर्टकट आप अपने नंबर को बढ़ाने के लिए अगर एग्जाम में इस्तेमाल कर रहे हो बिल्कुल इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर शॉर्टकट आप यहां पे अपने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और क्लास इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करते समय इस्तेमाल कर रहे हो देन यू आर लूजिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस. यहां पर यह सब जो हमने किया है आपके दिमाग में कभी ये प्रोसेस आएगा ही नहीं. अगर आपने अपने घर के ऊपर घर में भी सॉल्व करते समय सारे क्वेश्चंस शॉर्टकट से करना स्टार्ट कर दिए तो, और होगा यह कि कई सारे अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे, जिसके अंदर कुछ एक नया आपको बुक वाला सिखाने की कोशिश कर रहा होगा या फिर कोई एक एजुकेटर आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रहा होगा एंड यू विल मिस आउट ऑन दैट पॉइंट एंड दैट विल बी कॉस्टिंग योर ह्यूज थिंग. आपके यहां पर जो माइंड का एक्चुअली डेवलपमेंट होना चाहिए ना वो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया है. आप यहां पर गिन रहे हो कि मैंने 100 सवाल कर दिए लेकिन एक्चुअली आपने 100 सवाल किए ही नहीं, आपने यहां पे 100 सवालों के आंसर निकाले बस, आपने किए कहां हैं. तो जो ही बच्चे यहां पर अभी ये सोच रहे हैं कि यार इसके अंदर तो वैल्यू डाल के सर मैं 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर बता सकता था, करो बिल्कुल करो लेकिन एग्जाम में करो, लर्निंग के टाइम पे मत करो.
लर्निंग के टाइम पे अगर आप ये काम कर रहे हो तो यू आर स्टॉपिंग योर ओन डेवलपमेंट एज ए स्टूडेंट, ठीक है, और वो आपको आगे जाके हिट कर सकता है बहुत गलत तरीके से, और आपको यहाँ पर जो है रैंक में भी बड़ी जो है कॉस्टिंग देनी पड़ सकती है उसकी, ठीक है। सो दिस इज अ जेन्युइन एडवाइस फ्रॉम एन एजुकेटर हु हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, एंड आई थिंक गलत बात कुछ नहीं है, है ना। लेकिन एज एन एजुकेटर मैं कभी भी यहाँ पर जो है आपको इनिशियली शॉर्टकट नहीं बताऊंगा, है ना। वी कैन डिस्कस मल्टीपल शॉर्टकट्स, जैसे कि यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पे लाइव चैट में अभी यहाँ पे जैसे कि डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है वाली बात मैं अभी आपके साथ में कर रहा हूँ कि हाँ वैल्यूज वगैरह डाल के कुछ सोचा जा सकता है इस केस में, ठीक है। और कई बार आप देखोगे होता क्या है, कई बार आप ये देखोगे कि शॉर्टकट यूज करने से कंपैरिजन में कुछ क्वेश्चंस ना एक्चुअल मेथड इस्तेमाल करके जल्दी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने कभी एक्चुअल मेथड इस्तेमाल की नहीं है, आप ये सब करने से डरोगे, और आप अगर ये करने से डरोगे तो फिर आपने क्या सीखा। अगर आप ये मामूली से स्टेप्स करने से अगर डरोगे तो आप फिर क्या सीख रहे हो, आप कुछ नहीं सीख रहे हो। आपको केवल ऐसा इल्यूजन है कि आप यहां पे बहुत अच्छा कर रहे हो। डोंट बी अंडर दैट इल्यूजन, डोंट बी अंडर दैट इल्यूजन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। शॉर्टकट्स नोबडी सेइंग नो टू इट, ठीक है, बट डोंट एक्चुअली यूज इट व्हाइल प्रैक्टिसिंग, ठीक है। चलो अगला सवाल करो, यह क्वेश्चन का क्या आंसर निकल कर आना चाहिए। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो शॉर्टकट से हो ही नहीं सकते, है ना। यहाँ पर आपको एक्चुअल दो तीन स्टेप करनी पड़ेंगी तो जाके आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। ट्राई करें सारे बच्चे इसको, ए बी सी डी में से क्या आंसर होना चाहिए। ओके हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑलरेडी ऑन योर स्क्रीन। फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई साइन थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा इफ इट इज गिवन टू यू, कि आपका 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा जो है वो 5 के बराबर है। व्हाट इज गिवन टू यू, वी हैव दिस आइडिया, वी हैव दिस इनपुट इन क्वेश्चन कि 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा ये 5 के बराबर है, और आपको यहां पर निकालना है क्या कि 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा ये कितना है। तो मान लेते हैं कि ये कुछ है, हमें इसकी वैल्यू निकालना है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मान लेते हैं कि लेट अस से एम कांस्टेंट के बराबर है, मुझे नहीं पता, मेरी मर्जी इसलिए मैंने एम ले लिया, ठीक है। आपकी मर्जी यहां पे चल रही होती तो आप कुछ और ले लेते, ठीक है, लेकिन यहां पे कुछ भी ले लो, सी ले लो, के ले लो, उसे फर्क नहीं पड़ रहा। हम यहां पर बेसिकली जो भी आपने माना है वो वैल्यू यहां पे फाइंड करके बताना है। तो जब भी आपका उसमें ये अरेंजमेंट होगा, ये अरेंजमेंट काफी अच्छा है। इस अरेंजमेंट में यहां पर आप देख सकते हो कि यार कॉस और साइन एक इक्वेशन में 5 कॉस के साथ में, एक इक्वेशन में 5 साइन के साथ में, एक इक्वेशन में साइन के साथ में 3 है, दूसरे इक्वेशन में कॉस के साथ में 3 है, और यहां पे प्लस माइनस का भी डिफरेंस है, ठीक है। तो ये जब भी आपके इसमें कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा, यू विल ऑलवेज फाइंड इट बेनिफिशियल टू स्क्वेयर एंड एड द गिवन इक्वेशंस, ठीक है। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करने से आपको यहां पे डेफिनेट फायदा मिलने वाला है। रिमेंबर दिस एज वन ऑफ द मेजर स्टेप्स जो आपको यहां पर पता होनी चाहिए। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करूं, तो पहले वाली इक्वेशन को स्क्वायर करके देखते हैं। पहले वाली इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायर करता हूं, ठीक है, तो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा, कितना हो जाएगा, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड यहां पर फर्दर आएगा आपके इसमें कितना 15 30 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये राइट हैंड साइड में इक्वल हो जाएगा 25 के। और वैसे ही अगर मैं यहां पर सेकेंड इक्वेशन को भी अब यहां पर स्क्वायर करूं, सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायर करूं, तो अब यहां पर क्या बन रहा है, 25 साइन स्क्वायर थीटा, और फर्दर यहां पर आ रहा है प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन क्योंकि यहां पर माइनस साइन है, इसलिए 2ab वाला टर्म माइनस साइन के साथ में आएगा, एंड इट विल बिकम हाउ मच, माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा, एंड राइट साइड में हमारा एम स्क्वायर बनेगा जो एक्चुअली हमें फाइंड करना है। स्क्वायरिंग हमने कर लिया, अब एडिंग करो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इज हेल्पिंग अस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ऑलराइट, चलो तो यहां पर अगर आप ऐड करते हो तो क्या हो रहा है, अगर आप यहां पर ऐड करते हो तो आपके इसमें 9 साइन स्क्वायर थीटा एंड 9 कॉस स्क्वायर थीटा, फायदा दिख रहा है सारे बच्चों को। यहां पर कॉम्बिनेशन इस तरीके से क्रिएट करना है आपको। अगर आप यहां पर 9 साइन स्क्वायर थीटा 9 कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करते हो तो आपके इसमें क्या बनता है, आपके इसमें यहां पर 9 बनता है, और अगर 25 कॉस स्क्वायर थीटा एंड 25 साइन स्क्वायर थीटा को ऐड करोगे तो आपके इसमें क्या बनेगा, आपके इसमें 25 बनेगा। प्लस और माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने पर,
और राइट साइड में आपको कितना मिल रहा है, राइट साइड में 25 प्लस एम स्क्वायर मिल रहा है, 25 कैंसिल करो और m का वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब m इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 होगा। तो वी विल हैव टू करेक्ट आंसर्स इन दिस केस, b एज वेल एज d। समझ रहे हैं सारे बच्चे, b और d दोनों यहां पर हमारे करेक्ट आंसर्स होने चाहिए। बढ़ सकते हैं आगे, थॉट क्लियर है सारे बच्चों को, स्क्वायरिंग एंड एडिंग वाला? यस, ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया बात है, ग्रेट। सो लेट अस हाँ, जैसे यहां पर अब बच्चे बोल रहे हैं कि अब इसके अंदर देखो धोखा हो गया ना आपके साथ में, यहां पर जैसे एक बच्चा बोल रहा है सर यहां पे जो है हम थीटा की वैल्यू जीरो डाल के अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। बच्चा बोल रहा है सर हम थीटा की वैल्यू जीरो डाल के अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है, उस केस में उसका यहां पे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, आपको लगता है कि यहां पर ये सब जो है मस्ती चल रही है, नहीं मस्ती नहीं चल रही भाई, आपके करियर का सवाल है, आपके यहां पे कॉलेज का सवाल है, आपकी रैंक का सवाल है। क्या आपको लग रहा है कि एक ऐसा सवाल आप सॉल्व कर रहे हो जिसके अंदर केवल वैल्यू डाल के जो है पूरा इंडिया आंसर निकाल के रख देगा, है ना, आपको ऐसा लगता है कि आपको एग्जाम में ऐसा सवाल मिलेगा कि आपने केवल वैल्यू डाल दी और आपको आंसर मिल रहा है? अगर बाय चांस ऐसा मिलता है तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप वैल्यू डालो, आंसर निकालो, आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दैट विल नॉट वर्क इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक जेई, इट विल नॉट वर्क, ठीक है, एंड देन यू विल रिग्रेट। अब यहां पर जैसे बच्चा बोल रहा है कि सर यहां पे थीटा इज इक्वल टू जीरो काम करता है, हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि थीटा इक्वल टू जीरो काम करता है, लेकिन कहां गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना यहां पे। यहां पर जो है अगर मैं जीरो वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो साइन जीरो यहां पे जीरो हो जाएगा और यहां पर जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक है। तो उसका कहना है कि यहां पर भी जीरो डाल दो, अगर आप यहां पर जीरो डालते हो तो आपके इसमें कितना आता है, ये तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस थ्री आपका आंसर क्रिएट हो जाता है, तो माइनस थ्री बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन प्लस थ्री भी तो सही आंसर है, प्लस थ्री भी तो सही आंसर है, वो कहां से आया, पॉइंट पकड़ में आया, ठीक है, क्लियर हो रहा है। नेगेटिव मार्किंग ऐसे है ना हादसों से होती है, ऐसे हादसे अपने साथ ना होने दे, ठीक है, और वो आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप यहां पर ऐसे हादसे खुद के साथ में होने देंगे या नहीं। सो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, फिर से यहां पर ध्यान से करना, ध्यान से करना, हादसा यहां पर भी हो सकता है, ठीक है। और ये सवाल किस किस को याद है जल्दी बताएं सारे बच्चे, किस किस को ये सवाल याद है कि कौन सी एक्सरसाइज में कौन से नंबर का क्वेश्चन ये था, या फिर कौन सा सॉल्व एग्जाम्पल ये कहां पे था, है ना, अगर आपको याद है तो जल्दी बताओ। डू यू ऑल नो दिस क्वेश्चन, बहुत ही फेमस सवाल है, इनफैक्ट मुझे याद है कि ये सवाल मुझे याद था जब मैं स्टूडेंट था तो। यस, हाँ जी, थीटा को 90 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, बहुत बढ़िया राम, थीटा को 90 पुट लेकिन क्यों करोगे बेटा, वो उस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, थीटा अगर आप 90 डालते हो तो याली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, याली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप वहां पे कैसे डाल सकते हो। ओके, हाँ जी, ऑलराइट। तो अगर आपको याद आ गया कि यहां पर ये सवाल आपका देखा हुआ है तो जल्दी से आंसर निकाल के बताओ फिर क्या आंसर आएगा इसका। तीन स्टेप का सवाल है, क्योंकि ये लिटरली तीन स्टेप का सवाल है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे सॉल्व होता है तो आप यहां पेज पे पेज भर सकते हो और तब भी आपका आंसर नहीं निकलेगा। यू कैन लिटरली सॉल्व इट इन टू पेजेस एंड स्टिल नॉट गेट योर आंसर, अगर आपको नहीं पता कि यहां पर क्या करने से आंसर जल्दी निकल कर आता है। यस और नो, एग्जाम्पल 15, ऑल राइट। हाँ, तो यहां पर फिर से जैसे कि मैंने बोला था कि आपको धोखा हो सकता है बच्चों, तो आपको धोखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका सिंगल करेक्ट नहीं है, ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो बच्चे यहां पे डी आंसर बता रहे हैं, ऑल ऑफ यू गाइज आर पार्शियली राइट, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एटलीस्ट एक सही आंसर यहां पर आइडेंटिफाई किया है, बट इट इज नॉट द ओनली करेक्ट ऑप्शन इन दीज अवेलेबल चॉइसेस, आपका और भी एक ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको अब सीखनी है, आपको ये सब सीखना है कि भाई हमारे पास में यहां पर मोर देन वन के भी क्वेश्चन होते हैं, है ना, अगर मोर देन वन के क्वेश्चन तो हमें यहाँ पे बाकी ऑप्शंस भी एक बार चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप अगर अपना जो है आरडी शर्मा का ये एग्जांपल है शायद, या फिर जो भी एनसीईआरटी में जहां पर भी है, आप यहाँ पे इसको प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में रियलाइज करो तो आपको याद आएगा कि यहाँ पर दो चीजें इक्वल टू में होती हैं, है ना, इक्वल टू समथिंग एंड इक्वल टू समथिंग, है ना, जहां तक तो मुझे याद आ रहा है इस तरह से बेसिकली वो आपको 10th क्लास में प्रूव करने के लिए दिया जाता है। ऑलराइट, सो वी विल डू इट, है ना। यहां पर अगर मैं बताना चाहूं तो यहां पर इसका दूसरा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए,
है ना, यहां पर आप बेसिकली डी को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू ए इन टू थ्री स्मॉल स्टेप्स। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सवाल को है ना सॉल्व कैसे करते हैं दो तीन स्टेप के अंदर वो पता करना, ठीक है। तो यहां पर जो मेन कैच है वो ये है कि हमें रिवर्स डायरेक्शन में जाना होता है। हम कभी भी यहां पर जो है चीजों को कंप्रेस करने में तो काफी कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि हमें यहां पर कचरा दिखाई दे रहा होता है तो कचरे को समेटना अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन साफ सुथरे एक्सप्रेशन को खराब करना हमारी आदत में नहीं है, ठीक है। वो भले ही हम अपने घर के अंदर कर सकते हैं, कचरा फैलाना हमें घर के अंदर ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन जब भी हम मैथमेटिक्स की बात करें या फिर जब भी हम प्रूफ की बात करें तो हमें यूजुअली समेटना ज़्यादा अच्छा लगता है कि यार बड़े बड़े एक्सप्रेशन से उनको हम सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एंड दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज गुड। यहाँ पर आपको अगर इसको जल्दी सॉल्व करना है तो आप एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करो। आपके उसमें यहाँ पे न्यूमरेटर में tan a प्लस secant a लिखा हुआ है, ये जो आपके पास में 1 है आप इसको इस्तेमाल करो। इस 1 को आप बेसिकली लिख सकते हो secant square a माइनस tan square a। क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 1 को पहले आप 1 square इमेजिन करो और आप यहां पर इसको लिख सकते हो फिर कितना secant square a माइनस tan square a। हाँ, स्क्वायर भी इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, 1 से ही काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। और नीचे हमारे पास में जो लिखा हुआ है उसको बिल्कुल भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, उसको बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। इतना आसान है ये सवाल, ठीक है। कब कैंसिल होगा, अगले स्टेप में। अगले स्टेप में आपका डिनोमिनेटर पूरी तरह से यहां से जाने वाला है क्योंकि ये क्या है आपका, ये बेसिकली आपका फैक्टराइज हो जाएगा secant a माइनस tan a इंटू secant a प्लस tan a। तो secant a प्लस tan a बेसिकली यहां पर भी है, तो दोनों ब्रैकेट्स में से हम यहां पे चीजें कॉमन निकाल सकते हैं। लेट मी जस्ट राइट वन मोर एक्स्ट्रा स्टेप हियर। tan a प्लस secant a आपके पास में यहां पर अलग से है, आपका जो स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन है आप उसको क्या लिखोगे, secant a प्लस tan a, secant a प्लस tan a इंटू secant a माइनस tan a, secant a माइनस tan a, और नीचे आ जाएगा कितना, नीचे आ जाएगा आपका कटने के लिए रेडी है एक्सप्रेशन tan a माइनस secant a प्लस 1, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर मैं यहां पे कॉमन निकालू, अब जैसे कि हमारा प्लान है, अगर मैं यहां पे tan a प्लस secant a कॉमन निकालता हूं तो अंदर क्या क्या बचेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट मैंने कॉमन निकाल लिया तो इसकी जगह बचेगा 1, और अगर मैं यहां से देखूं तो tan a प्लस secant a अगर मैंने कॉमन निकाले तो मेरे पास में यहां पे बचेगा माइनस के साथ में secant a माइनस tan a। एंड कैन यू नाउ सी कि ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है ये एग्जैक्टली नीचे भी लिखा हुआ है tan a माइनस secant a प्लस 1, ठीक है। एक बार माइनस के साथ में ओपन करके देखो, अगर ये माइनस आप अंदर भेजोगे तो ये माइनस secant a हो जाएगा और प्लस tan a हो जाएगा, एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन इन द डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल, और आपके उसमें अब ये जो बचा है इसको आप यहां पे sin cos में चेंज कर लो, ठीक है। tan a को लिखो आप यहां पे sin a अपॉन cos a, और यहां पर लिखो आप इसको 1 अपॉन cos a, ठीक है। तो क्या बनेगा, 1 प्लस sin a अपॉन cos a, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बढ़िया आंसर है हमारा, ये तो आंसर है ही है, 1 प्लस sin a अपॉन cos a इज द करेक्ट आंसर, जो यहां पे डी आंसर है, यस 1 प्लस sin a अपॉन cos a। लेकिन आप इसको फर्दर मैनिपुलेट कर सकते हो इनटू ए एक्सप्रेशन, आप ए एक्सप्रेशन में भी इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। कैसे करोगे, 1 माइनस साइन आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो इसके अंदर, इसी के अंदर आप क्या करो, 1 माइनस साइन ए ऊपर और 1 माइनस साइन ए नीचे आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा आपका इसमें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा आपका कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बनेगा, नीचे आपके उसमें एक कॉस है तो कॉस हो जाएगा कैंसिल, और 1 माइनस साइन तो अलग से बचा ही हुआ है, ठीक है। तो ये फर्दर आपका चेंज होगा कितने में, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए में चेंज, ठीक है, विच इज योर ए ऑप्शन, कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, बात क्लियर, ठीक है। तो पुरानी आदत ताजा हो गई सारे बच्चों की, है ना, ऑलराइट, चलो। अरे यार ये क्या बोल रहा है बच्चा, सर के पीछे कोई खड़ा है, कौन है ये, क्षितिज क्षितिज क्या 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 दिख रहा है आपको यहां पे, हाँ लेट मी कंसंट्रेट ऑन मैथमेटिक्स, ऑलराइट चलो। हाँ ये वाला क्वेश्चन पीयूष सही में काफी अच्छा सवाल, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, लेट अस डू सम डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस नाउ, है ना। ये सवाल आपका आया था जेई मेन 2014 के अंदर, ठीक है। नाउ दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन वेयर इवन आई विल सजेस्ट कि आपने शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज देर इज अ वेरी पिक्युलर रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि यहां पर आपने शॉर्टकट इस्तेमाल करना चाहिए। सारे बच्चे यहां पर बताओ कि एबीसीडी में से क्या आंसर आएगा, ठीक है। ट्राई करें सारे बच्चे,
ये जेई मेन 2014 का क्वेश्चन है, जेई मेन का सवाल है, दो स्टेप के अंदर इसका आंसर हम निकाल सकते हैं, जस्ट बिकॉज इट इज नॉट फ्रेम्ड इन अ वे, ऑप्शंस आर नॉट फ्रेम्ड इन अ वे जो हमें यहां पे पूरा सॉल्व करने के लिए मजबूर करें, ठीक है। चलो तो यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि शॉर्टकट किस तरह के सवालों में, इस तरह के सवालों में क्यों लगानी चाहिए, ठीक है। आपके पास में यहां पर एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है एफ ऑफ के, है ना, एफ नीचे अगर के लिखा है सबस्क्रिप्ट में तो उसका मतलब होता है कि आप बेसिकली के को कहां कहां इस्तेमाल करोगे, एक तो इस फ्रैक्शन को क्रिएट करने में इस्तेमाल करोगे और साइन और कॉस की पावर क्रिएट करने में भी आप इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। ऑलराइट, तो ये इसने दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स यहां पर जो है सबस्क्रिप्ट में के का क्या मतलब है। तो अगर कोई मुझसे बोलता है एफ एक्स बेस में 4 है ना, या फिर एफ सिक्स एफ एक्स बेस में 6, ठीक है, बेस तो क्या है बोलने की आदत है लॉक की तरह, ठीक है। वैसे ये कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल ही होना चाहिए, यहां पे जो है थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो आप यहां पर शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हो फॉर श्योर, यहां पर आप एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू लेके अपना आंसर निकाल सकते हो, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो यहां पर अच्छी तरीके से है ना लिखी हुई है। जैसे कि एक बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है कि यार ये जो है आपका एक्सप्रेशन किसी भी एक्स के लिए चल जाता है। दूसरी बात जो हम यहां पे नोटिस कर सकते हैं वो ये है कि ऑप्शंस में सारे के सारे वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यूज हैं, सारे के सारे वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यूज हैं, लेकिन जो पूछा गया है वो तो एक्स वाला एक्सप्रेशन है। सोच के देखो यहां पर शॉर्टकट कब लगाना यहां पर जो है बेनिफिशियल होता है वो हम यहां पर सीखना चाह रहे हैं। हमें जो यहां पर पूछा गया है वो क्या है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, ठीक है। अगर मैं ये एक्सप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करूं तो आप देखो यहां पर क्या बनेगा, एफ फोर एक्स माइनस एफ सिक्स एक्स, ठीक है। मतलब अगर मैं ऊपर वाले डेफिनेशन की मदद से एफ फोर एक्स क्रिएट करने की कोशिश करूं तो हो जाएगा 1/4 इंटू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ठीक है। एंड माइनस अगर आप यहां पर करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/6 साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। So, हमें ये सिंप्लीफाई करना है, ये उसने बोला है सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन ऑप्शन देखो ना कितने खराब दिए इसने, ऑप्शन में इसने सब जगह कांस्टेंट वैल्यूज दे दी, विच इन अ वे इज इंडिकेटिंग कि आपको जो यहां पे फाइनल आंसर आएगा इट विल नॉट डिपेंड ऑन एक्स। अगर आपका फाइनल आंसर यहां पर एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब एक्स की चाहे जो वैल्यू आप इस्तेमाल करो आपको हर बार सेम आंसर मिलेगा, आपको कॉन्स्टेंट आंसर मिलेगा। तो अगर हर बार सेम ही आंसर मिल रहा है तो आप एक्स की वैल्यू डाल दो ना इसके अंदर 0। आप यहां पर क्या कैलकुलेट कर लो, आप यहां पर कैलकुलेट कर लो एफ 4 0 माइनस एफ 6 0 एंड इट विल गिव यू द करेक्ट आंसर 1/4 माइनस 1/6 फॉर श्योर। इस बार आपका आंसर पक्के से यहां पे सही होगा, विच विल बी हाउ मच 1/12, बी आंसर यहां पर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यार इसने सवाल अच्छे से नहीं बनाया था। अगर यहां पर दो ऑप्शन कांस्टेंट होते और दो ऑप्शन आपके पास में यहां पर एक्स वाले होते तो यहां पर तब भी एक बार जो है हम एनकरेज होते कि हमने यहां पर सही तरीके से चीजें एक बार चेक करनी चाहिए। दीज ऑप्शंस आर फर्दर गिविंग अस कॉन्फिडेंस कि यहां पर अगर एक्स की हम यहां पर एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स के एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके अगर अल्टीमेटली इनमें से कोई ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करना है, एग्जाम में आपका थॉट कैसा होना चाहिए, अगर मुझे इनमें से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो एक्स तो इसका मतलब बचने नहीं वाला। आप जब इसको एक्चुअली कैलकुलेट करोगे तो आपका एक्स कैंसिल होने वाला है, तो एक्स अगर कैंसिल होने वाला है तो उसकी कोई भी वैल्यू हो, तो हम यहां पर सबसे सिंपल वाली वैल्यू 0 इस्तेमाल कर ली, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सो सच क्वेश्चंस आर डेफिनेटली वेयर वी कैन अप्लाई दिस आइडिया ऑफ शॉर्टकट, है ना, और ये वर्क करेगा, पक्के से वर्क करेगा, है ना। यहां पर एक्स के सारे टर्म्स कैंसिल होंगे, ये हम एक्चुअली देख सकते हैं बाय सॉल्विंग दीज एक्सप्रेशंस, क्योंकि ऐसे एक्सप्रेशंस हमने पहले सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। साइन की पावर 4 एंड कॉस की पावर 4, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो होगा कैसे, एक्चुअल स्टेप क्या होगी इसकी, हम यहां पर सिंप्लीफाई करते समय बोलेंगे कि साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 इज बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन फिर हमें याद आएगा नहीं यार, अगर मैं बोलता हूं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर तो इसके अंदर साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 तो आएगा आएगा, लेकिन 2ab वाला टर्म भी आएगा जो यहां पे नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिखने के बाद में -2ab कर सकते हैं, -2 sin² cos² ठीक है। ये हमने बेसिकली सिंप्लीफाई करने का तरीका बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि अगले स्टेप में ये ब्रैकेट मेरा क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में ये ब्रैकेट मेरा हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में जो 1/6 वाला एक्सप्रेशन है उसको भी इसी तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। हमारे पास में ये जो लिखा हुआ है
साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 ये बन सकता है अगर मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल क्यूब लिखूं तो, ठीक है। सो दैट इज वेयर अवर क्यूब वाले आइडेंटिटी विल प्ले अ रोल। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब जो होता है उसके अंदर क्या क्या टर्म्स आती हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब में जब करता हूं तो मेरे पास में यहां पे ए क्यूब आता है बी क्यूब आता है। ए क्यूब करूंगा तो साइन के पावर 6 बनेगा, बी क्यूब करूंगा तो कॉस के पावर 6 बनेगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन इसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके साथ में हमारे पास में 3ab into a plus b भी आता है, 3ab into a plus b भी आता है, तो वो यहां पे नहीं है ना, तो हम यहां पर क्या करेंगे, जैसे ऊपर माइनस किया था वैसे यहां पर भी माइनस कर लेंगे, माइनस 3 टाइम्स ऑफ ab into a plus b, ab ab into a plus b, ठीक है। एंड नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल रियलाइज कि यहां पे वाकई जो एक्स वाली चीजें हैं वो सारी की सारी यहां पे गायब हो जाने वाली हैं। अल्टीमेटली हमारा सिंप्लीफिकेशन 1/4 माइनस 1/6 ही बचने वाला है। दैट्स व्हाई दिस शॉर्टकट विल ऑलवेज हेल्प यू, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो आपने यहां पे 1 कर दिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। देन फॉर 1/6 व्हाट डू वी हैव, हमारे पास में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होने वाला है, एंड ये फिर से हमारे पास में 1 हो जाएगा। सो वी हैव 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एंड नाउ इफ यू ओपन द ब्रैकेट्स आपके उसमें यहां पे 1/4 आएगा, आपके उसमें यहां पे माइनस 1/6 आएगा, एंड अदर टू थिंग्स विल कैंसिल आउट, ठीक है। एंड दैट्स वाई दिस इज द करेक्ट मेथड, बट ऑलमोस्ट अननेसेसरी इन दिस केस, क्योंकि यहां पर आपको बेसिकली ऑप्शंस उतने जो है अच्छे नहीं दिए गए थे, ठीक है। अगर और थोड़े बेटर ऑप्शन होते तो शायद हमें यही एग्जाम में भी करना पड़ता, बट ऑब्वियसली जो यहां पे 2014 में जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा उन्होंने इसी तरीके से इसको आंसर करके आगे बढ़ गए होंगे और सबको यहां पे पूरे नंबर भी मिले होंगे, ठीक है। क्लियर है? यस, ओके, बढ़ सकते हैं आगे। जेईई मेन का लेवल इतना कैसे गिर गया? ऐसा नहीं होता है। आप अगर किसी भी अच्छे पेपर को अगर देखते हो तो वो वेल बैलेंस्ड होता है, ठीक है। तो ये जो आप यहां पे सवाल देख रहे हो जेईई मेन 2014 का, ठीक है, जस्ट बिकॉज ये सवाल सिंपल है डज नॉट मेक दैट पेपर सिंपल, क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि इस सवाल इस पेपर के अंदर कैलकुलस का कौन सा सवाल आया था या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कौन सा सवाल आया था, ठीक है। जब पूरा पेपर देखोगे तो आपको लगेगा यार ये तो सवाल सिंपल था, बाकी तो यहां पर डिफिकल्ट क्वेश्चन थे या फिर बाकी तो यहां पर लेंथी सवाल थे, है ना। तो यहां पर किसी भी एक क्वेश्चन को देखकर आपने किसी भी एक एग्जाम को या फिर किसी भी एक ईयर के पेपर को जज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, जस्ट बिकॉज ये सवाल हमारी थ्योरी से मैच कर रहा है जो हमने अभी यहां पर पढ़ी है, इसलिए हमने आज के लेक्चर में इसको डिस्कस किया है, ठीक है। ऑलराइट, बट गुड थिंग इज कि ये पहला लेक्चर और यहां पर कुछ क्वेश्चन जो है जेई की में जो एक्चुअली आ चुके हैं उनको डिस्कस कर पा रहे हैं, ठीक है। दैट इज गुड थिंग। चलो और एक सवाल करते हैं, यहां पे सवालों की कोई कमी नहीं है। टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा अगर 1.5 के बराबर है तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, बताओ सारे बच्चे। अगर टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा आपका यहां पर 1.5 के बराबर है, टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा आपका अगर 1.5 मतलब 3/2 के बराबर है तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, ऐसा आपका सवाल है। जल्दी से सॉल्व करें सारे बच्चे। ऑलराइट, हाँ जी, हाँ, क्या सोचेंगे इस केस में? काफी अच्छा यहां पर जो है हम नया आइडिया सीखने वाले हैं। फिर से हम यहां पर सीखने वाले हैं कि यार आपका जो यहां पे टेन और सेकेंड वाला फॉर्मूला है जो आपकी आइडेंटिटी है उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसके पहले उस क्वेश्चन में भी सॉल्व किया, यूज किया था फैक्टराइजेशन का आइडिया, जहां पर हमने 1 को सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखा था, ठीक है। आप यहां पर सोचो कि आपके पास में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है, और मेरे पास में एक यूनिवर्सल इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो कौन सी है। यूनिवर्सली आई नो कि आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है ये 1 तो होता ही है, तो मैं यहां पे अगर इसको फैक्टराइज कर लूंगा तो मुझे कितना ज्यादा फायदा मिलेगा, सोचो ना। यहां पे ये हो जाएगा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा और ये हो जाएगा 1 के बराबर। नाउ प्लस वाला वैल्यू तो मुझे यहां पे 3/2 ऑलरेडी पता है ना, तो प्लस वाला वैल्यू अगर मैं यहां पे इस्तेमाल कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहां पे माइनस वाले वैल्यू का आंसर मिलेगा। इंप्लाइज कि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा कितना होना चाहिए, 2/3 के बराबर होना चाहिए, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहां पे हम 3/2 डालेंगे तो जब उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/3 हो जाएगा। इससे बेनिफिट क्या हुआ,
इससे बेनिफिट ये हुआ कि अब मेरे पास में एक प्लस वाला एक्सप्रेशन है, एक माइनस वाला एक्सप्रेशन है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, हमारे ये जो अपने पास में इक्वेशन नंबर वन है और ये जो हमारे पास में इक्वेशन नंबर टू है, अगर हम यहां पे इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू करें तो हमारा काम आसान हो जाएगा कि नहीं। यहां पर दोनों इक्वेशंस को ऐड करके होगा क्या, यहां पे tan प्लस साइन के साथ में, यहां पे tan माइनस साइन के साथ में tan कैंसिल हो जाएगा और secant यहां पे 2 टाइम्स हो जाएगा। सो 2 टाइम्स ऑफ secant थीटा इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 3 बाय 2 वहां से और 2 बाय 3 यहां से। सो व्हाट इज दैट गिविंग अस, यहां पे आ जाएगा न्यूमरेटर में 30, नीचे आ जाएगा 6, तो 2 secant थीटा का, लेकिन ये वैल्यू है कितना है 13/6 के बराबर। 2 अगर नीचे ले जाओगे तो हो जाएगा 13/12 के बराबर। और secant थीटा का वैल्यू अगर आपका यहां पे 13/12 है तो cos थीटा का वैल्यू कितना है, 12/13 है। नाउ इफ यू ऑलरेडी नो cos थीटा तो sin थीटा निकालना कोई बड़ी बात है क्या, sin square थीटा प्लस cos square थीटा, क्योंकि आपका यहां पर 1 होना चाहिए इसलिए sin थीटा आपका कितना हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। यस क्लियर है सारे बच्चों को, कितना हो जाएगा 5/13, बी आंसर आ गया है क्लियर। बी फॉर बोर्ड्स आर कैंसल, ओके यस बी यहां पे बिल्कुल सही आंसर बेटा आपका। चलो 5/13 बहुत बढ़िया। आपको यहां पर और एक चीज जो दिमाग में रखनी है आगे से, वो क्या है कि हम यहां पे फैक्टराइजेशन वाला आइडिया इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एंड नाउ लेट अस कम टू ए क्वेश्चन विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर जो है एकदम से देख के जो है आपको पहले डर लगेगा, लेकिन उसके बाद में आपको लगेगा कि यार ये तो आसान था। ठीक है एक बार पढ़ के देखें सारे बच्चे। इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू वन, देन वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बिग एक्सप्रेशन विच इज कॉस की पावर 12x। ये बस दिखने का ही बड़ा है, मैं बता रहा हूं, कॉस की पावर 12x प्लस 3 कॉस की पावर 10x प्लस 3 कॉस की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 6x। कैसे करेंगे, वी हैव सम इंफॉर्मेशन विथ अस, इट इज गिवन दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू वन, एंड बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ऑल राइट ट्राई इट आउट एवरी वन, क्या आंसर आना चाहिए। दो आंसर आएगा, एक बार वैभव और चेक करो बेटा, यहां पे ध्यान से चेक करें सारे बच्चे एक बार फिर से, आराम से करो सवाल में, अगर समय लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सवाल है। जीपी में है क्या, जीपी में, अरे एक बार ध्यान से देख लो यार, जीपी भी है नहीं यहां पे, ये बीच में 3V भी आ गया, थोड़ा सा 3 आपको दिक्कत दे रहा है। ऑलराइट जीपी वैसे तो नहीं दिख रहा है मुझे यहां पे, आप लोग भी एक बार देख लें, बीच में कोएफिशिएंट आ गया ना, वो कोएफिशिएंट नहीं होता तो आपकी बात सही थी। वैसे ए आंसर तक पहुंच गए बच्चे, बहुत बढ़िया, चलो ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। एंड जो बच्चे यहां पे अभी सोच रहे हैं बिल्कुल भी डरे ना, अगला सवाल आप यहां पे कर पाओगे क्योंकि इसी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है वो। ठीक है ऑलराइट, सो लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू द नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल, बट इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं, यहां पर आपको जो दी हुई इंफॉर्मेशन है उसको कैसे आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है आपको ये पता होना चाहिए कि यार अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो कोई तो एक एक्स है जो ये बेसिकली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू वन, हर बार ऐसा होगा नहीं। ठीक है कोई तो एक्स होगा जिसके लिए ये ट्रू बात होगी, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि हम उसके लिए सॉल्व नहीं कर सकते, बड़ा अजीब आंसर आएगा। ठीक है अगर ये अच्छी इक्वेशन होती तो हम यहां पर ढूंढ लेते कि अच्छा 30 डिग्री सेटिस्फाई करता है, अच्छा 60 डिग्री सेटिस्फाई करता है, अच्छा 45 डिग्री से कुछ ना कुछ यहां पर अगर अच्छी वैल्यू आ रही होती तो हम यहां पर इस इक्वेशन से जो वैल्यू आ रही है वो यहां पर डाल देते, हमारा आंसर आ जाता। बट वी कैन नॉट डू दैट हियर क्योंकि हमें यहां पर अच्छा साइन एक्स का जो है एक्सप्रेशन मिल ही नहीं रहा है, तो वी विल हैव टू नाउ यूज इट इन अ वे जो यहां पे सिंप्लीफिकेशन करवा दे। ठीक है सो सबसे पहला थॉट आपका आना चाहिए कि क्यों ना मैं यहां पे साइन स्क्वायर एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाऊं, साइन स्क्वायर एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो मेरे पास में बनेगा साइन एक्स इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये यहां पर जनरेट करके देता है एक इक्वालिटी विच इज साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। समझे इस बात को, हमें यहां पर मिल रहा है साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। इससे फायदा क्या हो रहा है, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द एक्स विच इज यूज्ड इज सच दैट साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू इक्वल आता है इन दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का ही तो हमें यहां पे सिंप्लीफिकेशन करना है,
इसी क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में जहां पर भी आपको cos स्क्वायर दिख रहा है उसके प्लेस में आप sin x रिप्लेस कर रहे हो तो कोई गलत बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो हम ये काम कर सकते हैं, हम यहां पे क्या बोलेंगे कि यार ये cos की पावर 12 है ना, ये बेसिकली cos स्क्वायर x की पावर 6 है, और ये जो है ना ये आपकी cos स्क्वायर x की पावर 5 है, और ये जो है ना ये आपकी cos स्क्वायर x की पावर 4 है, और ये लास्ट वाला जो है ये cos स्क्वायर x की पावर 3 है। और जहां-जहां cos स्क्वायर आया है गिवन कंडीशन के हिसाब से मैं उसको sin x बोल सकता हूं, कोई गलत बात नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो मैं अगर उसको sin x बोलूंगा तो मेरा यहां पे एटलीस्ट थोड़ा तो सिंपलीफाई होगा ना यार, cos की पावर 12 दिमाग ही नहीं चलता था क्या करेंगे इसका, अभी यहां पे एटलीस्ट sin की पावर 6 बनेगा, समझ रहे हो, cos स्क्वायर की जगह मैं sin डाल सकता हूं क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये कितना हो जाएगा, sin की पावर 6x + 3 sin की पावर 5x + 3 sin की पावर 4x एंड + sin की पावर 3x। अब क्या करें, अभी भी यहां पर थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर आप यहां पे दिमाग लगाना चाह रहे हो, यहां पर आप ध्यान से सोचो कि आपको कुछ इस तरह का फॉर्मूला पता है क्या, जहां पर दो थ्री आते हैं, कोएफिशिएंट भी यहां पर आपकी काफी हेल्प कर रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूला दिख जाएगा तो फिर तो ये सवाल आपका अब एक स्टेप का ही बचा है, अगर नहीं दिखता है तो आपको यहां पर एक और मेथड बता दूंगा जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। बट आई स्टिल एनकरेज कि आपको वो चीजें दिखें जो दिखना चाहिए। मैं यहां पर आपको एक तरीके से लिख के दिखाता हूं ताकि आप यहां पे अप्रिशिएट कर पाओगे इस बात को कि यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। यहां पर ये जो पहला वाला साइन की पावर 6 है, मैं इसको बोलना चाहता हूं क्या, इसको मैं बोलना चाहता हूं साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3, चलेगा ना साइन की पावर 6 को। फिर यहां पर मेरे पास में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको मैं लिखना चाहता हूं साइन की पावर 5 को साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू साइन एक्स, चलेगा। टोटल मेरे पास में पावर 5 बनना चाहिए, मेरा तो इतना ही कंसर्न है, तो यहां पर इस तरीके से लिखूंगा तो भी पावर 5 बन रहा है यहां पर। वैसे ही नेक्स्ट वाला जो है वो पावर 4 वाला एक्सप्रेशन है, तो 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 1 हो गई और अलग से साइन एक्स का पावर 2 हो गया। और लास्ट वाला जो आपका एक्सप्रेशन है वो साइन क्यूब एक्स है, यहां पर आप देख सकते हो साइन क्यूब एक्स है, तो इसको मैं साइन एक्स की पावर 3 लिख सकता हूं। तो क्या यहां पर आपको एक आइडेंटिटी जैसी क्रिएट होते हुए नजर आ रही है, एक बार मैं फर्दर आपको हेल्प कर देता हूं, समथिंग का क्यूब a का क्यूब प्लस 3 दैट समथिंग का स्क्वायर इंटू अनदर वैल्यू b प्लस 3 टाइम्स ऑफ दैट समथिंग की पावर 1 बट दूसरे समथिंग का स्क्वायर, और फिर सब कुछ गायब हो गए जो दूसरा वाला है उसका क्यूब। ये जो आपके उसमें बना है ये तो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी ना, ये a प्लस b का होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव इज a प्लस b का होल क्यूब, एंड व्हाट इज a, a इज दिस, एंड व्हाट इज b, b इज दिस, ठीक है। तो यहां पर जब आप इसको अब आइडेंटिटी के नजरिए से कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, आपके सामने जो एक्सप्रेशन बनेगा अल्टीमेटली दैट वुड बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब, बट नाउ दिस एक्सप्रेशन इज एनीवेज गिवन इन क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, यही तो आपको 1 दिया हुआ था। तो आप यहां से क्या बोलोगे कि यार ये तो 1 क्यूब हो गया, मतलब ये 1 हो गया, क्लियर। तो यहां पर ऑब्जर्वेशन थोड़ा तो रोल प्ले कर रही है, लेकिन अगर किसी को नहीं चमका तो क्या वो ये सवाल छोड़ देगा, अगर किसी को नहीं चमका, यस, अगर किसी को नहीं चमक रहा है तो उसको यहां पर जो है स्टेप बाय स्टेप अपना सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। आपको यहां पर क्या सोचना पड़ेगा, यार यहां पर मेरे पास में ना 3 साइन की पावर 5 है, लेट अस टेक 1 साइन एंड गिव इट टू साइन की पावर 6। अगर आप यहां पे एक साइन की पावर 5 निकाल के साइन की पावर 6 को देते हो तो आपके इसमें अब क्या होगा, साइन की पावर 6 होगा और साइन की पावर 5 होगा। वहां से अगर आप यहां पे साइन की पावर 4 कॉमन निकालोगे, काफी लेंदी हो जाएगा सवाल आपका सॉल्व करते करते, लेकिन तब भी देयर इज अ वे आउट, मैं ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। यहां पर बिल्कुल जो है हताश होने की जरूरत नहीं है, अगर आपको यहां पर आइडेंटिटी नहीं दिखी हो तो, है ना, बट विद प्रैक्टिस दिख जाएगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। यहां पर मैं कह रहा हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा, साइन की पावर 6 के साथ में एक साइन की पावर 5 जो है ज्वाइन करना पड़ेगा, एक साइन की पावर 5 आपने वहां पे जो है दान कर दिया, तो आपके पास में यहां पर जो है साइन की पावर 4 कॉमन निकालने के बाद में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, बात समझ में आ रही है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स आपके यहां पर बचने वाला है जिसकी वैल्यू 1 के बराबर है, तो अल्टीमेटली आपके इसमें साइन की पावर 4 बचेगा। इस तरह से आपको यहां पर जो है मल्टीपल कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने पड़ेंगे जहां पर आप बार बार साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स को 1 लिखते जाओगे, एंड देन योर पावर्स विल फर्दर रिड्यूस डाउन, है ना। हमने पहले स्टेप में देखो यहां पर काफी सक्सेसफुली पावर रिड्यूस डाउन कर ली, 12 से हम यहां पर डायरेक्टली 6 पे आ गए हैं, अभी 6 वाली पावर आप यहां पर ऑलरेडी 4 पर रिड्यूस कर चुके हो, अगले स्टेप में और कम करोगे, उसके अगले स्टेप में और कम करोगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना पड़ेगा इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि यहां पर डायरेक्टली एक आइडेंटिटी दी हुई है। चलो कोई बात नहीं, बट लेट अस टेक दिस क्वेश्चन एज ए लर्निंग एंड ट्राई टू डू द नेक्स्ट वन, है ना। ये वाले क्वेश्चन का आंसर तो 1 आ गया है, यस।
All right, let us do this one. Yellow question try karte hain. How many of you can solve this now? Aapko yahan par fir se jo given data hai wo same hai. Yes. Given data jo hai hamare paas mein kya hai? Ki sin square theta plus sin theta ye 1 ke barabar hai. Aur aapko jo find karna hai wo kya hai? Aapko jo find karna hai it is ki tan ki power 4 theta minus tan square theta किसके बराबर होगा. ट्राई करें सारे बच्चे. अच्छा सवाल है ये. ट्राई इट आउट. हाँ जी. एडवांस जेई का मैथ्स टफ होता है क्या? बहुत. देखो महेश, टफ तो देखो जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको चीज़ें टफ नहीं लगती हैं, है ना. मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्लासेस पहले एक एग्जांपल दिया था माउंटेन क्लाइंबिंग का. मुझे यहाँ पे पहाड़ चढ़ने की बिल्कुल आदत नहीं है, है ना. मैं अगर जाके एक दिन ट्राई करूँगा ट्रैकिंग करने का, ठीक है, ट्रैकिंग तो तब भी यहाँ पर मस्ती में बोलते हैं ना, अगर मैं यहाँ पर माउंटेनियरिंग ट्राई करूँगा तो मुझे लगा कि अरे तो बहुत टफ जॉब है ना, ये जो पहाड़ चढ़ने का एग्ज़ाम है तो बहुत मुश्किल है. लेकिन उसी के प्लेस में अगर यहाँ पर आप इमेजिन करते हो किसी गाइड को जो माउंटेन्स में ही बेसिकली टूरिस्ट को गाइड करता है, ऊपर ले जाता है, ठीक है, सो उन लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत ही आसान काम है, पहाड़ी तो चढ़ना है केवल. क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि उनकी रोज की आदत है. वैसे आप भी यहां पे अगर रोज अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो एडवांस के दिन भी आपको जो है चीजें सिंपल लगेंगी. अगर आप रोज मेहनत नहीं करोगे, आप यहां पर आराम करोगे तो एग्जाम वाले दिन आपकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है. तो ये नहीं होने देना है. इसलिए यहाँ पर 2 साल हैं हमारे पास में तैयारी करने के, ठीक है. 2 साल तक तैयारी करते हैं, अपने आप को यहाँ पर यूज टू करते हैं उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एंड देन व्हेन द डे विल कम हमें वहाँ पे चीज़ें आसान लगेंगी अगर हमने प्रैक्टिस की है तो. बट अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में पूछोगे कि पेपर डिफिकल्ट होता है क्या, तो हाँ, एडवांस का पेपर डिफिकल्ट होता है, ठीक है. और उसके लिए हमें इसलिए तो मेहनत करनी होती है, और इसलिए तो हर कोई उसको टारगेट करता नहीं है, ठीक है. हर कोई नहीं करता उसको टारगेट, और इसलिए हर किसी का सिलेक्शन भी नहीं होता है, ठीक है. हम लेकिन करवाना चाहते हैं हमारा सिलेक्शन, ठीक है, तो मेहनत करेंगे, क्या दिक्कत है. ऑलराइट, चलो. तो यहां पर अगर आपको इस सवाल को सॉल्व करना है, आपको जो है काफी जो है फेर बदल करने पड़ेंगे, आपको काफी फेर बदल करने पड़ेंगे. इसके अंदर सही आंसर है, कुछ बच्चे डी आंसर बता रहे हैं इसका. नहीं, डी आंसर नहीं है बच्चों इसका. इसका आंसर बी करेक्ट है, ठीक है. साइंस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्यों हुआ, है ना, ये धोखा क्यों हुआ आपके साथ में, यहाँ पर ध्यान से देखें. वी हैव द सेम इक्वेशन विथ अस, बट इसका यूज बहुत अलग तरीके से हो रहा है, ठीक है. आप अपनी रेफरेंस बुक अगर सॉल्व करेंगे उसके अंदर भी आपको इस टाइप के बहुत सारे सवाल मिलेंगे. सो मेक श्योर दैट यू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस, है ना, एंड सी कि आपको यहाँ पर जो है थॉट जो जनरेट करने की कोशिश हम कर रहे हैं यहाँ पर लेक्चर्स के थ्रू, वो एक्चुअली आपको हेल्प आउट कैसे कर रहा है. आपको यह ना तो आइडिया इस्तेमाल करते आ गया कि हम यहाँ पे साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड में भेजते तो हमारे पास में यहाँ पर क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है. बट अब ये इक्वेशन हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल तो की थी, लेकिन इस सवाल में आप देख पा रहे हो कि हमारे लिए जो है साइन और कॉस में एसेट जो है कुछ पूछा है नहीं. हमें तो यहाँ पर टेन वाला एक्सप्रेशन पूछा है, हमें टेन की पावर 4 माइनस टेन स्क्वायर थीटा पूछा गया है. तो इस केस में आपको एक काम और करना पड़ेगा, आपको दोनों साइड कॉस से डिवाइड करना है इसी इक्वेशन को. गिवन इक्वेशन है, आप यहां पे दोनों साइड कॉस से डिवाइड करो. अगर आप दोनों साइड कॉस से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है यहां पे टैन विच इज इक्वल टू कॉस. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, आपको इस सवाल में टैन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा भी यूज करते आ जाएगा. सो वॉट डू आई हैव टू फाइंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ टैन की पावर 4 थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा. आई कैन सी कि टैन थीटा डायरेक्टली कॉस थीटा के बराबर है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. टैन थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर है. सो लेट अस रिप्लेस टैन थीटा विद कॉस थीटा. सो हो जाएगा कॉस की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 2 थीटा. टैन की जगह कॉस लिख सकते हो इस क्वेश्चन में, ऐसा बता रहा है ये इक्वेशन आपको. टैन की जगह कॉस लिख सकते हो. एंड फर्दर अब यहां पर यूज करो, क्योंकि अब कॉस आ गया ना, पिछले वाले सवाल में कॉस पहले से था, पिछले वाले सवाल में यहां पर कॉस पहले से था, तो हमने याला इक्वेशन यूज कर लिया था, कॉस स्क्वायर की जगह हमने साइन डाल दिया था, ठीक है. याले सवाल में अब आ गया है कॉस, तो अब यूज कर लो ना. आप यहां पर क्या यूज कर सकते हो, कॉस स्क्वायर की प्लेस में साइन डाल सकते हो. कॉस स्क्वायर की प्लेस में अगर आप साइन डाल सकते हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा. यस और नो? आसान है सवाल, लेकिन आपको यहां पर जो है ये दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है. और फर्दर आप क्या कर सकते हो, आप फिर से यहां पर
साइन थीटा के प्लेस में कॉस स्क्वायर थीटा डाल सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट यहां पर इसका मतलब क्या करना था, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर आप इसको चेंज ही ना करो, ठीक है, आप एक ही जगह चेंज करो, दोनों जगह चेंज ही मत करो, आप यहां पर बोलो कि यार यहां पर तो मैंने कॉस स्क्वायर के प्लेस में साइन कर दिया तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यहां पर जो है वो है, मैंने चेंज ही नहीं किया, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, क्यों लिख दिया, बिकॉज कॉस स्क्वायर, सिंस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, चमक गई बात। यहां पर आपको दोनों एक्सप्रेशन को चेंज करना ही नहीं है, किसी एक ही एक्सप्रेशन को चेंज करना है, एंड वी हैव साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, तो ऐसे कई सारे सवाल आपको यहां पे सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, लेकिन अभी यहां पर सोचो कि हमने बिल्कुल बेसिक लेवल पे अपनी केवल आइडेंटिटीज ही पढ़ी है, तभी हम इतने अच्छे सवाल यहां पे डिस्कस कर पाए हैं, तो आगे जाके तो मजा ही आ जाएगा, आगे जाके तो मजा ही आ जाएगा ना, क्योंकि हम यहां पे बहुत सारे फॉर्मुलेस पढ़ने वाले, ठीक है। बट बिफोर वी डू दैट, इन आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑब्वियसली हम यहां पे जो है अपना नया कंटेंट नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, कल है जो लेक्चर हमारा यहां पे लेक्चर नंबर 2, वहां पे स्टार्ट करेंगे, लेकिन आई गेस इस लेक्चर में एक 5-10 मिनट का डिस्कशन और कर लेते हैं, ठीक है, जो किसके ऊपर है, स्टैंडर्ड एंगल्स के ऊपर है। क्या आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज ऑलरेडी पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये जो हमारा एक टेबल हुआ करता था बचपन में, क्या आपको वो टेबल याद है, ठीक है, तो वो जो आपका टेबल है, अब बस यहाँ पर जो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि उसके वैल्यूज आए कहाँ से हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर टेबल बनाने का तरीका सीख लिया होगा, है ना, 0, 30, 45, 60, 90 एक साथ लिखो, है ना, फिर 1, 2, 3, 4 लिखो, फिर 4 से डिवाइड करो, फिर अंडर रूट ले लो, तो वैल्यू आ जाती है, टेबल बन गया। अब वो जो साइन की वैल्यू आई है उसी को उल्टे डायरेक्शन में लिख दो तो कॉस की वैल्यू आ जाती है ना, इस टाइप का डिस्कशन आपने यहाँ किया होगा, लेट मी शो यू द टेबल, टेबल ये है, आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा ना, याद ऐसे ही किया होगा इसको, है ना, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे जब इस तरह की चीज़ें बता दी जाती हैं तो, ठीक है, कि हाँ आपको साइन थीटा यहाँ पे लिखना है, ये आपके सारे वैल्यूज हैं, क्या करो 1, 2, 3, 4 ऐसा लिख दो, 0, 1, 2, 3, 4 सॉरी, हाँ 0, 1, 2, 3, 4, फिर ये जो लिखा है उसको 4 से डिवाइड कर दो, फिर अंडर रूट ले लो, तो ये टेबल आपका रेडी हो जाता है। फिर ये जो रेडी हुआ है उसको उल्टे डायरेक्शन में लिख दो तो कॉस का रेडी हो जाता है, दोनों को डिवाइड कर दो तो टैन रेडी हो जाता है, अब सभी के रेसिप्रोकल करके लिख दो तो नीचे का भी हो जाता है। तो अगर आपने इसी तरीके से किया है अपने वैल्यूज को याद, तो आपने एक बहुत ही बड़ी लर्निंग फिर से मिस आउट कर दी, ठीक है, विच इज कि एक्चुअली ये कहां से आया ऐसे मतलब टेबल क्रिएट करते आ गया है ये, ये तो क्या है, याद करने का तरीका है। बट अगर मैं पूछूं आपसे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 क्यों, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 क्यों, तो क्या आप बता सकते हो? अगर आपको ये बताना है तो आपको यहां पर जो है इस तरह के जो स्पेशल ट्रायंगल्स हैं उनका इस्तेमाल करते आना चाहिए। जैसे मैं यहां पे अगर 45 डिग्री की यहां पर आंसर्स 45 डिग्री वाला अगर मैं कॉलम फिल करना चाहता हूं, देन इन दैट केस मुझे यहां पर क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, मुझे आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल इस्तेमाल करना पड़ेगा। नाउ एज सून एज आई से आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, ऑल द एंगल्स आर ऑलरेडी फिक्स्ड। यहां पर मेरे पास में राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए 90 डिग्री फिक्स है, आइसोसेलस इसलिए 45 डिग्री फिक्स है, मुझे 45 डिग्री वाले ही वैल्यूज फाइंड करके बताने थे, ठीक है। फर्दर मैंने यहां पर बोला कि ये आइसोसेलस है, तो अगर मैंने एक साइड को ए बोला है तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली ए हो जाती है, और क्योंकि यहां पर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है तो आपका जो हाइपोटेनस है वो √2a हो जाएगा। एंड एज सून एज यू हैव ऑल दीज थ्री साइड्स, तो अब यहां पर जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के वैल्यूज है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही तो हैं जो एक्चुअली साइड्स के रेशियोज हैं। तो जैसे मैं यहां पर बोलूंगा आपको कि आप मुझे साइन 45 डिग्री लिख के बताओ, तो आप यहां से क्या करोगे, 45 के सामने और हाइपोटेनस का रेशियो मुझे रिपोर्ट करोगे, तो आप यहां पे ऊपर इस्तेमाल करोगे ए, नीचे इस्तेमाल करोगे √2a, ए आपका कैंसिल हो जाएगा और 1/√2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने एक्चुअली आंसर्स निकाल सकते हो, ठीक है। अगेन अगर कोई मुझसे पूछता है कि आपका cos 45 का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो cos 45 के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो, cos 45 डिग्री के लिए आप यहां पे इस्तेमाल करते हो एडजेसेंट साइड, तो पास वाली साइड यहां पे फिर से ए के बराबर है, और नीचे आपका आता है हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा वो यहां पे √2a हो जाएगा, ए कैंसिल होकर फिर से आपके 1/√2 वैल्यू आ रही है, और अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हो तो आपका इसमें टैन आता है, टैन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर, टैन 45 आपका आता है 1 के बराबर, ठीक है। तो जैसे हमने यहां पे तीन वैल्यूज फाइंड की हैं, बाकी तीनों वैल्यूज तो ऑब्वियस है ना, फिर बाकी तीनों वैल्यूज जो है कोजेक की, सीकेंट की और कॉट की, वो तो इन्हीं के रेसिप्रोकल्स हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर किया क्या है, हमने यहां पे एक्चुअली देखा कि ये जो 45 डिग्री वाला आपका पूरा का पूरा कॉलम है, ये कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, तो वी कैन यूज अ राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल टू गेट टू दीज वैल्यूज, ठीक है। नाउ ये डिस्कशन एंड में इंपॉर्टेंट क्यों है, आज के लेक्चर में यहां पे एंड क्यों करना चाहता हूं, बिकॉज आज के लेक्चर में हमें यह समझ में आने वाला है कि यार अगर कोई मुझसे 45 डिग्री पूछता है तब तक ठीक है,
कोई मुझसे अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री पूछता है तब तक भी ठीक है, लेकिन अगर मैं 0 और 90 डिग्री का डिस्कशन करना चाहता हूं एंड दैट टू आई वांट टू डू दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, हम कर ही नहीं पाएंगे। देखो यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है, लेकिन पहले जो कर सकते हैं वो देख लेते हैं। 30 डिग्री और 60 डिग्री हम कर सकते हैं। अगर आपको 30 डिग्री और 60 डिग्री वाले वैल्यूज जो है फाइंड करने हैं, देन यू हैव टू यूज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आपके इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, तो आप उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। परपेंडिकुलर अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल में ड्रॉप करते हो तो वो परपेंडिकुलर आपका एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ऑब्वियसली एंगल बाइसेक्टर भी वही होता है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, और आपका ये जो है फर्दर मीडियन भी होता है, ठीक है। सो ऑल्टीट्यूड, मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर ऑल आर सेम इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। सो यहां पर अगर आप अपने बीडी लेंथ को एक्स लेते हो तो आपका डीसी लेंथ भी कितना हो गया, एक्स हो गया, तो आपका ओवरऑल साइड लेंथ कितना हो गया, 2x, 2x के बराबर आपका ओवरऑल साइड लेंथ हो गया, राइट। एंड इफ यू फर्दर ट्राई टू यूज पाइथागोरस थ्योरम इन दिस केस, तो आपके इसमें ऑलरेडी यहां पर x है, आपके इसमें यहां पे ऑलरेडी 2x है, पाइथागोरस थ्योरम से आप लिटरली अपने ऑल्टीट्यूड का भी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। ऑल्टीट्यूड का लेंथ यहां पर रूट 3x निकल कर आएगा, क्यों, बिकॉज इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर मतलब x स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर, और अनरूट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से तो कितना आएगा, रूट 3x। सो इन दिस लेफ्ट हैंड साइड वाला ट्रायंगल जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, वी हैव ऑल द थ्री साइड्स। अगर मेरे पास में तीनों ही साइड्स है और x के टर्म्स में है, तो जब मैं यहां पे रेशियोज लूंगा तो x तो कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास में यहां पे पर्टिकुलर वैल्यूज निकल कर आएंगी। अगर मैं यहां पे 30 डिग्री वाली वैल्यूज फाइंड करना चाहता हूं तो यहां पे देख लूंगा, अगर मैं साइन 30 फाइंड करना चाहता हूं तो मैं 30 के सामने वाला साइड लेंथ इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अगर मैं साइन 30 डिग्रीज फाइंड करना चाहता हूं तो 30 के सामने वाला जो है दैट अपॉन हाइपोटेनस बिकम्स माय आंसर, मतलब x अपॉन 2x व्हिच इज इक्वल टू 1/2। लेकिन अगर मैं साइन 60 डिग्री फाइंड करना चाहता हूं तो मैं 60 के सामने वाले को देखूंगा। परपेंडिकुलर जो यहां पर आपको नाम देना होता है ट्रायंगल के अंदर, जो आपको परपेंडिकुलर नाम देना होता है, वो बेसिकली डिसाइड कौन करता है कि आपने थीटा कहां पे अपना लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने थीटा इसको माना है, साइन 60 फाइंड करने के लिए आपने थीटा इसको माना है, तो आप 60 के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलोगे, विच विल बी हाउ मच, रूट 3x, और आपका जो हाइपोटेनस है वो कितना है, 2x। तो यहां पर आपका x x कैंसिल हो जाएगा, रूट 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। एंड इन दिस वे यू कैन यूज दिस ट्रायंगल टू फाइंड एनी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यू वांट फॉर 30 डिग्रीज एंड 60 डिग्रीज। तो आपका यहां पे इसका मतलब और कौन सा कॉलम रेडी हो गया, आपका 30 डिग्रीज वाला कॉलम कैसे रेडी होगा, उस ट्रायंगल की मदद से होगा जिसका डिस्कशन अभी हम कर रहे थे, और 60 डिग्रीज का भी उसी की मदद से होगा। तो ये तीन स्टैंडर्ड वैल्यूज तो हम बड़ी आसानी से डिस्कस कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा ही मैं यहां पे कैलकुलेशन करने की कोशिश करूं फॉर 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो द प्रॉब्लम इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग टुडे इज ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि मैं राइट एंगल ट्रायंगल का डिस्कशन कर रहा हूं, तो एक एंगल तो मेरा 90 डिग्री ऑलरेडी है ना, एक एंगल मेरे पास में ऑलरेडी 90 डिग्री है, क्या मैं और एक 90 डिग्री एंगल बना सकता हूं उसी ट्रायंगल में? क्योंकि आप यहां पे साइन थीटा अगर फाइंड करोगे तो आप यहां पे थीटा किसको बोलते हो, अपार्ट फ्रॉम दिस राइट एंगल आपको एक और एंगल चाहिए विच इज 90 डिग्री। कहां से आएगा ये आंसर? ये आंसर हमने अप्रोक्सीमेटली करके पढ़ लिया था। अगर वाकई किसी ने आपको पढ़ाने की कोशिश की होगी तो शायद उसने थोड़ी मेहनत की होगी इस तरह का फिगर से आपको एक्सप्लेन करने की, अदरवाइज आधे टीचर्स यहां पर क्या करते हैं, दसवीं क्लास में वो टेबल बनाना सिखा देते हैं, है ना, कि यहां पर जो है हम है ना 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, अंडर रूट लेंगे, साइन का हो गया, उल्टा लिखो, डिवाइड करो, आपका यहां पे तीन वैल्यूज आ गए, उनके रेसिप्रोकल करो, पूरा टेबल बेटा आपको बनाते आ गया। एंड हम भी खुश हो जाते हैं दसवीं क्लास में कि हाँ यार ये तो सही बात है, हमें पूरा टेबल बनाते आ गया, अब हम यहां पे बोर्ड्स में 100 में से 100 ला सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम रियल एक्सप्लेनेशन के ऊपर जाएं तो यहां पर रियल एक्सप्लेनेशन देना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसके पहले मैंने कोशिश क्या की थी कि अगर मुझे 60 डिग्री का यहां पर जो है वैल्यू फाइंड करना है तो मैं एक ऐसा ट्रायंगल क्रिएट करता हूं जिसके अंदर 60 डिग्री आ जाए, अगर उसमें 30 डिग्री फाइंड करना है तो एक ऐसा ट्रायंगल में बनाने की कोशिश करो जिसमें 30 डिग्री आ जाए, 45 डिग्री के लिए मैंने एक अलग ट्रायंगल सोचा, तो मैं यहां पे साइन 90 के लिए कौन सा ट्रायंगल सोचूं? साइन 90 के लिए मुझे ये ट्रायंगल सोचना पड़ेगा जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, और साइन 0 के लिए मुझे एक ट्रायंगल सोचना पड़ेगा जिसके अंदर अपार्ट फ्रॉम दिस 90 डिग्री मेरे पास में एक 0 डिग्री का भी एंगल है। अब 0 डिग्री तो हो नहीं सकता ना आपका एंगल, 0 डिग्री आपका एंगल प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। बट इफ वी ट्राई
इफ वी ट्राई देन वी कैन रियलाइज कि हाँ यार जो वैल्यूज इस टेबल में है वो गलत नहीं है, वैल्यूज तो सही है। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपका मैथमेटिक्स गलत हो गया है ना, दसवीं क्लास में जो आपने पढ़ा है वो सही है, लेकिन उनके एक्सप्लेनेशंस अभी हम अच्छे से दे नहीं पा रहे हैं। उनके एक्सप्लेनेशंस हम यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो नहीं दे पा रहे हैं। लगभग हम यहां पे आंसर बता सकते हैं, क्योंकि आप यहां पर सोचो कि अगर मुझे यहां पे जीरो डिग्री का डिस्कशन करना है, सो दिस फिगर लुक्स लगभग ओके, बहुत छोटा है ना यार, ये बहुत छोटा है, ये देखो ये कितना छोटा है, ये बहुत छोटा है, तो मैं इसको लगभग जीरो मान रहा हूं। तो मैं अगर यहां पे साइन जीरो बोलना चाहता हूं कि कितना होगा, तो मैं यहां पर क्या देखूंगा कि यार जीरो के सामने वाला जो साइड है वो कितना बड़ा है, तो ये तो काफी छोटा है, ये तो काफी छोटा है, ठीक है। तो आपका ऑलमोस्ट जो है जीरो लेंथ का ये परपेंडिकुलर है, लेकिन आपका जो हाइपोटेनस है वो तो बहुत बड़ा है, देखो बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा हाइपोटेनस है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, फिर जीरो आ जाता है। दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा है कि हाँ साइन जीरो देखो जीरो आ रहा है, लेकिन तभी यहां पर उतना मजा नहीं आया जितना मजा 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री में आया एक्चुअल वैल्यूज फाइंड करने में, उतना मजा अभी यहां पे साइन जीरो और साइन 90 में नहीं आ पा रहा है। हम यहां पर ट्राइंगल नहीं मिल पा रहे हैं जहां पर हम एक्चुअली एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जीरो देख पाए। ऑब्वियसली कहां से देखोगे, आपके ट्राइंगल का एंगल जीरो होता ही नहीं। अगर आपका ट्राइंगल का एंगल जीरो होता ही नहीं है और आपने यहां पर दसवीं क्लास में अगर राइट एंगल ट्राइंगल में ही अपनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो क्या आपने ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था अपने टीचर से कि सर साइन जीरो कहां से आया, या फिर साइन 90 कहां से आया, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर थीटा 90 डिग्री कैसे हो गया, क्योंकि दो 90 डिग्री एक सिंगल ट्राइंगल के अंदर हो ही नहीं सकते हैं। आप यहां पे दो 90 डिग्री बनाने जाओगे तो आपके पास में यहां पे दो पैरल लाइंस आ जाएंगी, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल की वजह से 90 और आपको यहां पर साइन थीटा साइन 90 डिग्री फाइंड करना है, इसलिए ये थीटा 90 डिग्री, तो ट्राइंगल कहां बन रहा है, ट्राइंगल बन ही नहीं रहा, ठीक है। सो हम यहां पर अटक गए, हम यहां पर अटक गए, हमें यह समझ में आया कि यार इसमें गलत तो कुछ नहीं है, ये भी सही है, सारी की सारी वैल्यू सही है, ये भी सारी की सारी वैल्यू सही है, लेकिन हम जो यहां पर समझ अभी डेवलप कर पाए ट्रिग्नोमेट्री की वो बहुत ही लिमिटेड है। हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल के है ना एक रिस्ट्रिक्शन से बाहर आने की जरूरत है। अगर हम इस रिस्ट्रिक्शन से बाहर आ जाएंगे तो शायद हम ये चीजें और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, और अगर हम रिस्ट्रिक्शंस के बाहर आ ही गए हैं तो शायद हम अपने दिमाग को और ज्यादा अगर ओपन कर पाएं तो हम बहुत सारी नई चीजें भी डिस्कस कर पाएंगे। जैसे कि अभी तो मुझे दिक्कत आ रही है कि यहां पर मैं जीरो डिग्री के लिए ट्रायंगल नहीं बना पा रहा हूं, 90 डिग्री के लिए ट्रायंगल नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन आप अगर बात करो 120 डिग्री की, तो क्या आप नहीं चाहते कि हमने यहां पर जो है साइन ऑफ 120 डिग्री का भी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करना चाहिए। अगर हमारे पास में साइन 60 डिग्री है, हमारे पास में साइन 30 डिग्री है, साइन 90 डिग्री है, साइन 120 डिग्री भी होना चाहिए। बट नाउ द प्रॉब्लम इज इफ वी स्टे इनसाइड अ राइट एंगल ट्राइंगल, हमारे थीटा तो हमेशा एक्यूटी होगा ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल में आप जो भी थीटा बनाने की कोशिश करोगे वो थीटा हमेशा एक्यूट रहेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल में ऑब्ट्यूस एंगल बना ही नहीं सकते हम। तो क्या हम यहां पर कभी भी साइन 120 डिग्री एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहते, बिल्कुल करना चाहते हैं। क्या हम इसका रियल एक्सप्लेनेशन 0 डिग्री 90 डिग्री का नहीं लाना चाहते, बिल्कुल लाना चाहते हैं, ठीक है। सो दैट इज वेयर वी विल स्टेप आउट In our upcoming lectures, we will step out of right angle triangle and we will go into circular system. यहां पर हमें जो 11th क्लास में मेन ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है उसका एसेंस हमारे आगे वाले लेक्चर्स में आपको मिलने वाला है, ठीक है, जहां पर हम सर्कुलर सिस्टम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। हम फिर से जीरो से अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट द गुड थिंग इज कि आपकी जो आइडेंटिटीज हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो आपके यहां पर जो है रेशोज हैं, जैसे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टाइन थीटा होता है, जैसे यहां पर रेसिप्रोकल सिस्टम है 1 अपॉन कॉट थीटा टैन थीटा होता है, ठीक है। जैसे यहां पर ये टेबल है, ये कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इन्हीं को एक बेहतर तरीके से समझने का हमारे पास में अब थ्योरी आने वाला है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम। बात समझ में आ रही है? दैट इज द रीजन कि हमने यहां पर जो है इन चीजों को भी बड़े वेटेज देके लेक्चर 1 में पढ़ा, क्योंकि गलत तो नहीं है ना, ये सही है। केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में होता है कि आपने यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक मॉडल पढ़ा लेकिन फिर वो गलत हो गया है ना, पहले तो यहाँ पर ऐसा लगता है तरबूज है ना, फिर बोलते नहीं तरबूज नहीं है, ऐसा लगता है कि भाई ऑर्बिटल्स हैं, फिर लगता है नहीं ऑर्बिटल भी इतने वेल डिफाइंड नहीं है, ये तो एक क्लाउड है ना। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, हम धीरे धीरे एक एक थ्योरी डिस्कार्ड करते जा रहे हैं और नई वाली थ्योरी अडॉप्ट करते जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये जो आइडिया है हमारे पास में ये सही है,
इसी चीज को एक्सप्लेन करने का एक बेहतर तरीका है हमारे पास में, विच इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम. ठीक है, सो दैट इज वेयर वी विल स्टार्ट अवर डिस्कशन. ठीक है, एंड दैट इज द नीड टू अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री, है ना. हमें यहां पे जो अंडरस्टैंडिंग है उसको एक्सटेंड करने की जरूरत इसीलिए. ठीक है, ऑलराइट, तो आज के सेशन में लेकिन इतना ही रखते हैं. आई होप सारे बच्चों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो आप यहां पे लाइक कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना. एंड लाइक करने के साथ साथ, है ना, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ में. दिस इज अ रिवॉल्यूशन जो हमने स्टार्ट किया है ऑन अनअकैडमी जेई चैनल. इसको हम और आगे ले जाना चाहते हैं और भी बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं. एंड मेक श्योर दैट यू शेयर दिस लेक्चर्स विद द हैशटैग जेई लाइव डेली, है ना. इट इज द हैशटैग ऑफ द रिवॉल्यूशन दैट यू आर नाउ कनेक्टेड विद. ठीक है, आपने अगर अभी भी खुद से अगर अनअकैडमी जेई को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम तो आपका ये होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ यहाँ पर सारे एजुकेटर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं. ठीक है, आपको यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल कॉन्टेंट जो है ला के दे रहे हैं. एंड आप अगर यहाँ पे रिलीजियसली सारे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे, यू विल डू रियली वेल इन योर अपकमिंग जेई पेपर. ठीक है, मेक श्योर कि आप यहाँ पर जो है लेकिन मेहनत अपनी साइड से जारी रखें. ठीक है, अगर आपका यहाँ पे बैकलॉग बाय चांस क्रिएट हो गया है, एक दो लेक्चर आपने अभी नहीं देखे हैं, तो मेक श्योर कि आप उनको जल्दी से कवर कर लें, है ना. अगर आप यहाँ पे बैकलॉग रखोगे या फिर राइट टाइम पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, देन यू विल फाइंड योर सेल्फ गेटिंग डीरेल्ड, है ना. और आप देखोगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना. आप एक ऐसे ड्राइवर बन जाओगे ट्रेन के जिसको दिख रहा है कि यार ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई है, हम जहां जाना चाहते हैं वहां नहीं जा रहे हैं. ठीक है, तब भी आप वापस नहीं आ पाओगे. ठीक है, एंड दैट इज वेरी डिसहार्टनिंग. वहां पर जाके बच्चे क्या बोलते हैं, जब जाने दो यार. ठीक है, मैं जेई की तैयारी नहीं कर रहा, मैं तो बोर्ड्स की तैयारी कर लेता हूं. ठीक है, ये ऐसा नहीं करना है हमने. हमें यहां पर जो है कुछ भी जो है लीव आउट नहीं करना है. पहले दिन से अगर आप यहां पर मेहनत करने के लिए रेडी रहोगे तो आगे जाके आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. डबल मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को जो बोलते हैं यहाँ पर हमारा इलेवंथ वेस्ट हो गया है, है ना. अब सर मैं ट्वेल्थ में आ गया हूँ, अब मुझे लग रहा है कि यार मैंने इलेवंथ में ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी. तो उसको हम वापस इलेवंथ में नहीं भेज सकते, है ना. और उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक ही साल के अंदर ट्वेल्थ तो नया पढ़ना ही है, उसको इलेवंथ में जो उसने टॉपिक्स छोड़ के रखे हैं, जो उसने नहीं सीखा, जिसकी प्रैक्टिस नहीं करी, वो भी उसको करना है. ठीक है, तो एज कम्पेयर टू अनदर स्टूडेंट जिसने इलेवंथ अच्छे से कर लिया, इलेवंथ में इलेवंथ अच्छे से कर लिया, ट्वेल्थ में ट्वेल्थ अच्छे से कर लिया, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो ज़्यादा अच्छे लेवल पे अपने ट्वेल्थ को कर पाएगा. जो बच्चे यहाँ पे इलेवंथ अच्छे से नहीं करते हैं उनको ट्वेल्थ में जाके ट्वेल्थ भी करना पड़ता है, इलेवंथ भी करना पड़ता है, तो ना ही वो इधर कर रहते हैं ना ही उधर कर रहते हैं. ठीक है, सो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट अगर इनिशियल डेज से ही अनअकैडमी जेई टीम के साथ में कनेक्टेड हैं, तो हम जो एडवाइस कर रहे हैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे उनको फॉलो करो. यहाँ पर कई सारे बच्चे इंस्टाग्राम के ऊपर स्ट्रीक्स भी अपनी फॉलो कर रहे हैं, दैट्स अ ग्रेट ग्रेट थिंग टू डू, लेटिंग एवरीवन नो दैट वी आर कमिटेड टू द टास्क, वी आर कमिटेड टू टेक लेक्चर्स. हम जैसे एजुकेटर्स यहाँ पे कमिटेड है कि हम आपके लेक्चर्स लेंगे, वैसे भी आप भी यहाँ पे कमिटमेंट शो करो कि आप यहाँ पे लेक्चर्स अटेंड करोगे और इसको लेक्चर की तरह अटेंड करोगे. डोंट वॉच इट लाइक अ वीडियो. अगर आज के सेशन में आपने यहाँ पे वाकई अपने नोटबुक के अंदर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, देन बहुत बढ़िया, आप बहुत सही जा रहे हो. ठीक है, लेकिन आपने अगर वैसे बैठ के बस देखा, हाँ ये शायद था दसवीं क्लास में, हाँ ये सवाल था, सही बोल रहे हो सर, हाँ 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 यही होना चाहिए, तो आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो. ठीक है, आप ये सोचो कि क्या आप ऐसे हैंड फोल्ड करके कभी भी किसी क्लास में बैठे हो आज तक, आपने दसवीं तक पढ़ाई कर ली, कि आपने एक भी क्लास ऐसी अटेंड करी जिसके अंदर आपने कोई चीज़ नोट नहीं की हो, या फिर आपने अपने नोट्स क्रिएट नहीं किए हो. ठीक है, तो ये भी वैसी ही क्लास है. जस्ट बिकॉज इट इज़ फ्री एंड जस्ट बिकॉज इट इज़ ऑन यूट्यूब विच इज़ एन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म एज ए होल अगर देखा जाए तो. ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको मिस जज मत करो, क्योंकि अदरवाइज आपका ये जो एक घंटा है डेढ़ घंटा है जो आप यहाँ पे स्पेंड कर रहे हो एक एक लेक्चर के ऊपर, ठीक है, वो उतना फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा जितना हम चाहते हैं कि आपके लिए हो जाए. ठीक है, तो इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखे सारे बच्चे. और आपने अगर कुछ भी मिस कर दिया है, अभी भी यहाँ पर जो है ज़्यादा देर नहीं हुई है, livedaily.me/jee के ऊपर जाओ, आपको यहाँ पे सेट्स एंड फंक्शंस का पूरा पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा. आपको यहाँ पे जेई प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नाम से जो जेपीपी हमने यहाँ पे सीरीज स्टार्ट करी 3.0 में, उसके यहाँ पर पीडीएफ मिलेंगे सॉल्व करने के लिए. प्रैक्टिस भी आप साइड बाय साइड करो ताकि आपके यहाँ पर जो है ओवरऑल ग्रोथ हो पाए. ठीक है, एंड अगर आपको एंटायर इकोसिस्टम चाहिए तो ट्रांजिशन कर जाओ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के ऊपर. वहाँ पर जो है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे. हमारी टीम तो है ही है लेकिन कोटा के भी एजुकेटर्स हैं. आपको जो है वहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, आपको अपने टेस्ट सीरीज देने का मौका मिलता है. सो एवरीथिंग इज देयर, यू कैन एक्चुअली स्टेप देयर एज वेल. अगर आप पे जो है कंफर्टेबल फील करेंगे देन दैट इज ग्रेट एज वेल. ठीक है, अदरवाइज यहां पर तो आपको रेगुलर होना ही होना है. ठीक है, सो मेक श्योर कि आप भी इन बच्चों की तरह कुछ कमाल करके दिखाएं. लेकिन देखो ये छोटी जर्नी नहीं है, इन बच्चों ने जो यहां पर जो है पूरी जर्नी कवर की है, इतने अमेजिंग परसेंटेज जो निकाल के बताई, इन्होंने दो साल तक लगातार मेहनत करी. ठीक है, लगातार मेहनत का नतीजा होता है ये जो आपको ब्रतिन का रिजल्ट दिखाई दे रहा है. ठीक है, यहां पर क्योंकि एजुकेटर्स हेल्प करते हैं माना. ठीक है, लेकिन क्या कोई एजुकेटर ऐसा करता है कि नहीं मैं तो केवल दो बच्चों की हेल्प करूंगा,
और मैं बाकी जो है 60 बच्चों की हेल्प नहीं करूंगा, एजुकेटर सबकी हेल्प कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर आज इतने सारे बच्चों ने लेक्चर देखा, मेरा लेक्चर तो सभी ने देखा, ठीक है, लेकिन कोई बच्चा इसको वीडियो की तरह देख रहा होगा, कोई बच्चा इसको वाकई लेक्चर की तरह कर रहा होगा, ठीक है, कोई बच्चा वाकई कॉम्पिटिटिव होकर यहाँ पर जो है लाइव चैट में आंसर भी करने की कोशिश कर रहा होगा, कोई बच्चा रिलैक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस हो गया ना, मेरा यहाँ पर डिलीवरी जो है वो तो सेम है सभी बच्चों के लिए, लेकिन जिस बच्चे ने यहाँ पे अच्छे तरीके से उसको फॉलो किया, ठीक है, उसका रिजल्ट अलग आ रहा है, अच्छे तरीके से नहीं फॉलो किया उसका रिजल्ट अलग आ रहा है, ठीक है। तो मेक श्योर टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टू योर सेल्फ कि आप यहाँ पर जो है अपने जो है एफर्ट्स को कम नहीं होने देंगे, 2 साल तक एफर्ट्स लगाते रहेंगे, ठीक है। ऑलराइट, और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप तो बच्चों आप सभी के पास में होना ही चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर जो है मेरी फ्री स्पेशल क्लास आज हुई थी 12 से 2, जिसमें मैंने ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन किया था, हालांकि वो यहाँ पे सीनियर बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप भी यहाँ पर जो है ऐप के ऊपर जो है अगर रहेंगे देन आपको इस तरह के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपके लिए कोई क्लास फायदेमंद है तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड कोर्सेज तो डेफिनेटली आप यहाँ पर ले सकते हैं, और कोर्सेज लेते समय अगर आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना है देन यू कैन ऑब्वियसली यूज समीर लाई के साथ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट तो मिलता ही मिलता है। एंड आई ऑल्सो गेट टू नो कि आप सारे बच्चे ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट हैं ऑन अनअकैडमी जेई चैनल एंड यू आर ट्रांजिशनिंग इनटू सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म फॉर फर्दर स्टडीज, ठीक है। एंड दैट्स इट। अगर आप यहाँ पे स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हैं तो अनअकैडमी कॉम्बैट बच्चों यहाँ पे फिर से आपका जो है आ चुका है, मेक श्योर टू एनरोल इन दिस, डोंट मिस आउट ऑन दिस। एंड दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, अटेंडिंग दिस सेशन। मिलते रहेंगे यहाँ पर हमारे लेक्चर्स के साथ में। आपको यहाँ पर शेड्यूल जो है ऑलरेडी दिख रहा होगा, कल का भी दिख रहा होगा, हमारे लेक्चर्स ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, राइट टाइम पे यहाँ पे स्टार्ट होते हैं हम यहाँ पे, कम नहीं ज़्यादा ही आपके साथ में मेहनत करें। जैसे आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे 20 मिनट एक्सटेंड हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके लिए यहाँ पर जो है हमेशा रहेंगे। लेकिन आप भी यहाँ पर जो है कनेक्टेड रहें, सभी एजुकेटर साथ में कनेक्टेड रहें। इंस्टेड आप यहाँ पे जो है इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं @samir_itr, वी विल हैव सम डिस्कशंस देयर एज वेल, ठीक है। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।